वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. पहले मैं एक बात कह दूं, जो जो यहाँ दिख रहा है, जो ये पौधे लगे हैं, जो आनंद है, ये आनंद टीचिंग के लिए बहुत आवश्यक है. ये जो सिचुएशन है, जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो कितनी भी स्ट्रेटजीज आप लगा दें, टीचिंग स्ट्रेटजीज, वो काम नहीं करेंगी. और इस समय जबकि आफ्टर लंच सेशन है, तो पौधे कुछ मदद करेंगे आपको जगाने में, यदि मैं सुलाने में मदद करूं आपको. तो इसलिए एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए थोड़ा जीवंतता, थोड़ा जिंदा दिली, ये आवश्यक है बहुत अधिक. और जो आज का टॉपिक है, हम लोगों ने, मैं थोड़ा प्रोफेसर पांडे के लेक्चर के साथ इसको जोड़ूंगी. उस दिन मैं थी इस लेक्चर में यहाँ प्रेजेंट, इसलिए मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि कैसे जुड़ना चाहिए उसमें. उन्होंने कहा था, टीचिंग इज रीचिंग द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. टीचिंग और कुछ नहीं है, आपके पास तक बात पहुंच जाए, कम्युनिकेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड टीचिंग. और जहां भी टीचिंग रहती है वहां के साथ लर्निंग जुड़ जाती है. टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस और लर्निंग इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस. टीचिंग इज गिविंग प्रोसेस, लर्निंग इज रिसीविंग प्रोसेस. रिसीविंग एंड पे जो बैठा है, अगर वो जगह नहीं है तो ये देने वाले एंड का कितना भी देता जाएगा, इसी कमरे में ज्ञान गिरता जाएगा और एक दिन जाके सारा नॉलेज जमीन पर इकट्ठा हो जाएगा और आप उसको रौंद के कुचल के चले जाएंगे, बिकॉज आप रिसीविंग एंड पर नहीं तैयार हैं लेने के लिए उसको. इसीलिए जितनी भी लर्निंग थियोरीज हैं वो ये कहती हैं, रेडीनेस होना आवश्यक है. अगर लर्नर रेडी नहीं है तो वो किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर सकता, कुछ भी रिसीव नहीं कर सकता, चाहे कितना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम, कितनी बढ़िया टीचिंग स्ट्रेटेजीज दे दी जाए, नहीं कर सकता. यहां कुछ वर्ड्स आते हैं, अप्रोचेस, स्ट्रेटेजीज, मेथड्स. अप्रोच जो होता है, कई बार कहते हैं ना, तीन चार वर्ड्स यूज करते हैं हमेशा हम लोग. अप्रोच क्या है? अप्रोच का अर्थ है जिस आइडियोलॉजी से आप चल रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो आइडियोलॉजी इन्वॉल्व है, जिस तरह की आपकी सोच है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका विजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोच आपका होता है. तो पहले आपका अप्रोच कैसा है लर्निंग के प्रति, कैसे क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या आइडियाज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो है टीचिंग अप्रोच. जब अप्रोच तय हो जाता है, लाइन तय हो गई, उधर जाना है, ये डेवलपमेंट करना है, नॉलेज बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, उनके कॉग्निटिव डोमेन्स को बढ़ाना है, जब ये तय हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए. स्ट्रेटजी माने हम तरह तरह के नियम बनाते हैं, तरह तरह के रास्ते बनाते हैं, इधर से चलेंगे जल्दी पहुंचेंगे, इधर से चलेंगे देर से पहुंचेंगे, ये स्ट्रेटजी है हमारी, किधर से पहुंचेंगे जल्दी पहुंच जाएं. और जब स्ट्रेटजी तय हो जाती है तो रिक्शे से जाएंगे कि गाड़ी से जाएंगे, कहां पर जाम मिलेगा, कहां पर क्या होगा, यहां पर क्या लगाया जाए, वो मेथड्स हैं सारे. पहला है अप्रोच, आप तय करते हैं किधर जाना है. दूसरा है उसको जाने के लिए हम कैसे पहुंचे, स्ट्रेटजी है. और जब तय हो गया इधर पहुंचना है, यहां जाना है, तो किस विधि से पहुंचे, क्या करें कि वहां पहुंच जाए, इसको कहते हैं मेथड. तो अप्रोच है, स्ट्रेटजी है और मेथड है, ये तीन चीजें हैं जो आती हैं. अब मेथड के बाद एक डिवाइस भी हो जाती है. डिवाइस क्या है? मैंने यहां पर, अभी हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में है, अभी जो मैं आपसे कर रही हूं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और लेक्चर मेथड है. लेक्चर मेथड के साथ साथ मैं बीच बीच में अपनी आवाज को नीचे कर रही हूं, ऊपर कर रही हूं, मॉड्यूलेशन वॉइस में है. कई बार तेज बोल देती हूं, कई बार बताए कुछ मैं क्या कहा, धीमे बोल देती हूं, कई बार मैं साइलेंट को भी, साइलेंस को भी हेल्प कर लेती हूं, साइलेंस की भी हेल्प लेती हूं. ये जो चीजें हैं ये स्किल है और स्किल के अंदर की डिवाइसेस हैं. तो कई चीजें छोटी छोटी वो अप्रोच से उतरती हैं नीचे, स्ट्रेटजी पे आती हैं, मेथोडोलॉजी पर आती हैं, डिवाइसेस होती हैं और स्किल्स हम यूज करते हैं. ये सारी चीजें, इतनी चीजें हम यूज करके क्यों करते हैं ये चीजें यूज, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए. इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं? इफेक्टिव टीचिंग उसे कहते हैं जिसमें आपकी बात लर्नर तक पहुंच जाए. भोजपुरी में समझता है तो भोजपुरी में समझाइए, हिंदी में समझता है हिंदी में समझाइए, जिस भाषा में समझता है समझाइए. नाच के समझता है तो डांस कीजिए, हंस के समझता है हंस के रहिए, डांट के समझता है डांट के समझाइए. लेकिन आपको क्या करना है? बिहेवियर को चेंज करना है उसके. कौन से बिहेवियर को? वो नाखून कुतरता है नाखून काटना छोड़ दे, ये बिहेवियर नहीं.
कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर बिहेवियर। ये तीन बिहेवियर होते हैं स्टूडेंट्स के, जिसको टीचर चेंज करने के लिए ये सारे काम करता है, जितने काम मैं आने आपको बताए, अप्रोच तय करता है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी जैसे लड़ाई में, जब युद्ध में जब लड़ाई होती है तो उस समय क्या करता है जो कैप्टन होता है या जो कर्नल होता है या जो कमांडर होता है, वो तय करता है इधर से घुसेंगे तो अच्छा रहेगा, इधर से जाएंगे तो ये पेड़ पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो ये होगा। ये जो चीजें हैं ये सब स्ट्रेटेजीज हैं। ऐसे ही टीचिंग में भी हम लगाते हैं कि यहां से करेंगे तो विद्यार्थी को ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और उसके लिए हम इफेक्टिव मेथड्स खोजते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे सक्सेसफुली विद्यार्थी तक, स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को टच करना है, और उसके लिए ये सारे रास्ते दुनिया भर के पड़े हुए हैं जिसका हम यूज करते हैं, और उसमें स्ट्रेटेजीज जो हैं, जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हम उसको कह सकते हैं, उसके अंदर टीचिंग मेथडोलॉजीज होती हैं, वो जो हम यूज करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं कि विद्यार्थी तक कम्युनिकेट कर सकें अपनी बात को। देखिए, कितना भी ज्ञानी टीचर क्यों ना हो, बहुत नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने स्टूडेंट तक कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो किसी भी दृष्टि से वो अच्छा टीचर नहीं है। ये कब ये बात हुई? ये तब हुई जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम से कंटेंट सेंटर्ड हुआ, और कंटेंट सेंटर के बाद स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग सिस्टम हुआ। जब लर्नर सेंटर्ड हो गया तो अब ये कहा जाएगा कि आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपकी इफेक्टिवनेस केवल एक बात पे, तराजू पे तौली जाएगी। वो तराजू क्या होगा? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। जब आपका लेक्चर हुआ उसके पहले वो कितना जानते थे और आपके लेक्चर के बाद वो क्या जानते हैं? मान लीजिए पहले x1 था, y1 हो गया बाद में लेक्चर के बाद, तो y1 माइनस x1 यदि पॉजिटिव हुआ तब तो आप सक्सेसफुल टीचर हैं, और अगर माइनस हो गया, जो मिलना था वो भी नहीं मिला, आप अच्छी नींद में सो गए, लोरी का काम किया टीचर ने, बहुत मधुर ढंग से गाना सुनाया, तो वो सब कुछ कर सका लेकिन अच्छा टीचर नहीं बन सका। इसलिए सबसे पहले ये जानना होगा कि टीचिंग होती क्यों है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों इन्वॉल्वमेंट की बात, क्यों मैंने उनको थैंक्स दिया, क्यों ये पौधे बहुत हंस के मुस्कुरा के कहते हैं कि जो काम तू नहीं कर सकेगी वो थोड़ा बहुत मैं भी कर दूंगा, क्यों? इसलिए लर्निंग एनवायरनमेंट मस्ट है अच्छा। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट कंजीनियल ना हो, मैं यहां पढ़ा रही हूं और बाहर एकदम शोर आने लगे जोर से, यदि मैं पढ़ा रही हूं और मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है आपको, केवल मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, यदि मैं यहां पढ़ा रही हूं और पंखे सब तेज गति से चलने लग जाएं, आपको लगेगा बहुत शिवरिंग हो रहा है, पढ़ नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ये लर्निंग एनवायरमेंट बहुत अधिक हेल्प करता है टीचर को। और आप देखिए ये भी है, ट्रायडिक प्रोसेस है, टीचर, लर्नर और कंटेंट। केवल टीचर लर्नर के बीच में बातचीत नहीं हो सकती है, साथ में और क्या होना चाहिए? कंटेंट का भी एसिमिलेशन होना चाहिए लर्नर को। बहुत जो अच्छा टीचर होता है, जो इफेक्टिव टीचर होता है, वो क्या करता है? लर्नर को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके बाद बहुत खूबसूरती के साथ कंटेंट की तरफ मोड़ देता है। जो टीचर केवल अपनी तरफ लर्नर को अट्रैक्ट करता है वो चीप पॉपुलैरिटी लेने वाला टीचर होता है, वो पर्पस नहीं सर्व करता है। पर्पस कौन सर्व करता है? जो विद्यार्थी को अपने पास ले और उसको बहुत खूबसूरती के साथ के कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की तरफ ले जाए। आप पढ़ाएं, उसके बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो, वैल्यू चेंज हो उनके अंदर, वैल्यू डेवलपमेंट हो उनके अंदर, कॉग्निटिव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ये कैपेसिटीज उनके अंदर डेवलप हो और साथ में स्किल भी डेवलपमेंट हो। यदि ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं तब किसी भी स्ट्रेटेजीज का मतलब रहता है, यदि नहीं डेवलप होती हैं तो कोई स्ट्रेटेजी हेल्प नहीं कर सकती है। ठीक, अब इसमें देखिए, मैंने ये पहला कहा है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी, इंटरेक्शन शब्द जरूरी है, इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। ये नहीं है, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि कई बार टीचिंग चलती है तो उनका प्लेन डिफरेंट होता है, लर्नर का प्लेन डिफरेंट होता है, लर्निंग का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, टीचर का लेवल डिफरेंट होता है, और यहां से यहां चलता है ऐसे, ये कहीं एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करते हैं, ये अलग चले जा रहे हैं, ये अलग चले जा रहे हैं। टीचिंग में ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, एक साथ जुड़ते नहीं है, एक दूसरे के साथ डिफरेंट लेवल्स पर न जाके एक लेवल पर जब तक नहीं जाते हैं तब तक टीचिंग संभव
किसी भी स्थिति में नहीं है। और आजकल की जो सबसे बड़ी आयरनी है, जो सबसे बड़ा गलत एस्पेक्ट है, वो ये है कि हम क्लास में जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते ही नहीं है कि हमको लर्नर से इंटरेक्ट करना है। हम जो अपना टाइम जो फिक्स किया हुआ है हमने कंटेंट, वो कंटेंट पढ़ाते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। लर्नर में चेंज आया कि नहीं आया, इसके बारे में बहुत गंभीरता से अधिकतर टीचर्स नहीं सोचते हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, अधिकतर टीचर्स इस बात को नहीं सोचते हैं। उनको यह है कि कोर्स खत्म, उस दिन सर आपको बोल रहे थे कोर्स फिनिश हो गया, फिनिश हो गया, सब खाली फिनिशिंग में लगे हैं हम लोग, और खत्म हो जाए किसी तरह से कोर्स। लर्नर के अंदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर हम बहुत गंभीरता से नहीं सोचते हैं। और जो टीचिंग का जो फर्स्ट पर्पस है, वेरी फर्स्ट पर्पस, उस पर्पस को ही हम सर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इंटरेक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज है म्यूचुअल बेनिफिट। अभी मैंने कहा आपसे कि आपने पूरा पढ़ा दिया और पूरी शक्ति अपनी लगा दिया, पूर पार के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ पढ़ाया आपने, लेकिन लर्नर के पास कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो आप दे रहे थे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसके पास कुछ नया उसे नहीं मिला। तो वो भी टीचिंग, किसी भी तरह से सक्सेसफुल टीचिंग, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है? आपको गिविंग प्रोसेस है टीचिंग, कुछ देना। आपका टारगेट क्या है? जो मिल रहा है उसे रिसीव करना। जब तक ये दोनों का बेनिफिट नहीं होगा, तब तक टीचिंग संभव नहीं हो सकती। तो ये बात एक बहुत अच्छी तरह से जाननी चाहिए कि टीचिंग वस्तुतः है क्या। मैंने यहां पर टीचिंग स्ट्रेटेजीज को और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को सिनोनिमसली यूज किया है, ये दोनों एक ही तरह से दिया है। क्या है टेक्निक्स, क्या है टीचर क्या यूज करता है? जब टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्यों यूज की जाती हैं? इसका पर्पस है लर्नर को डिपेंडेंट बनाना, नहीं है पर्पस। पर्पस ये है कि उसके अंदर थॉट प्रोसेसेस को बढ़ाया जाए, उसके थॉट प्रोसेसेस बढ़े, जिससे कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी डेवलप हो, वो अपनी तरह से सोच सके, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो मेथोडोलॉजीज को चुन सके। इसलिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज दी जाती हैं या टीचिंग स्ट्रेटेजीज दी जाती हैं। ये जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है क्या करती हैं? ये मोटिवेट करती हैं स्टूडेंट को कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह से जान सके, कुछ ग्रहण कर सके, कुछ इसको ज्यादा अच्छी तरह से वो बताती हैं, मोटिवेट स्टूडेंट्स को। और जो आपका अटेंशन इधर उधर हो जाता है, कई बार जब पढ़ाते पढ़ाते अटेंशन स्पैन होता है 40 मिनट का, उसके बाद आप इधर देखते तो रहते हैं और खूब सिर भी हिलाते हैं जैसे सब समझ में आ रहा है। फिजिकली आप प्रेजेंट होते हैं, मेंटली आप कहीं आज लंच में ये मिला था, अगर इससे थोड़ा सा दूसरा वाला सब्जी ज्यादा ठीक था, पहला वाला वॉज नॉट बेटर, तो इसके इस पर जब आप चले जाते हैं तो फिजिकली आप यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली आप कहीं और हो जाते हैं। तो फोकस नहीं होता अटेंशन का। फोकस करने के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज प्रॉपर हो। दूसरी बात है ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, देखिए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, अगर आप थोड़ा भी बीएड जानते हो, बीएड जानते ही होंगे आप लोग, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ाई जाती थी। मैक्सिम्स इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी। उसका ऐसे हवा में नहीं पढ़ाई जाती है, वो सब चीजें एकदम तय हैं। और आपको किसी भी लेसन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो आप जानते हैं उससे जहां नहीं जानते, जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो लर्निंग ज्यादा रुकती है, ठहरती है, उसमें परसिस्टेंसी ज्यादा होती है, कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, वो रुकती है। तो जब कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने लेसन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, इस तरह से सब्जेक्ट मैटर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करें कि वो स्टूडेंट तक बड़े आराम से पहुंच जाए। इसलिए ये जरूरी होता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को यूज करना, टीचिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करना। छोटे क्लास में बच्चा है तो वो कौन सा मेथोडोलॉजी लगेगा, बड़े क्लास में है, अगर मान लीजिए यहां आप बैठे हैं और मैं आपको कहानी सुनाने लगूं, एक समय की बात है, एक राजा था, उसके यहां पर एक रहता था, आप कहेंगे ये क्या सिक्स क्लास के बच्चों की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया, ये तो लेवल नहीं है जहां पर स्टोरी टेलिंग लगाया जाए, वो मेथड यहां नहीं यूज होगा, यहां पर क्या होगा, लेक्चरिंग होगी। लेकिन अगर मान लीजिए फिफ्थ क्लास के, फोर्थ क्लास के बच्चे को आप लेक्चर देने लग जाए, क्या वो सक्सेसफुल होगा? किसी भी तरह से नहीं होगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज लगे, जिससे कि आप जो हैं वो अपने पर्पस को सर्व कर सकें, पर्पस आपको पूरा हो सके आपका। फिर है मॉनिटर एंड असेस लर्निंग। आपने जो मेथोडोलॉजी यूज की है, जो टीचिंग मेथड्स आप यूज करते हैं, उसी के आधार पर असेसमेंट भी होता है।
ओरल मेथड यूज किया है तो ओरल असेसमेंट होगा, रिटन किया है तो रिटन होगा, लेक्चरिंग है तो अलग होगा, डिस्कशन है तो अलग होगा, डिबेट है तो अलग होगा, हर तरह के असेसमेंट का तरीका अलग अलग है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जब आप टीचिंग स्ट्रेटेजीज को लेते हैं तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लर्निंग को एसेस करने वाला भी हो, लर्निंग का असेसमेंट कर सके, लर्निंग को इवेलुएट कर सके, स्टूडेंट्स ने कितना जाना इसे वो जान सके, इसके लिए भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाना चाहिए। दो तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर हम उसको, वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा उसमें है, कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर हम दो भाग में इसको बांटें, दो मेजर पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, और दूसरा है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज जो अभी जो मैं कर रही हूं वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरी के पूरा जो टीचर से मेथड जो होता है वो पूरा का पूरा टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर आका होता है, टीचर बताता है किधर जाना है, क्या करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये सब टीचर तय करता है। टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजीज जितनी भी होती हैं वो होती हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। उसके अंदर क्यों होती हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, एक्सप्लिसिट होती हैं, टीचिंग टेक्निक्स होती हैं यूजली टू टीच द स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ स्पेसिफिक बात बताना है जहां पर टीचर का ही सारा रोल है, टीचर ही तय करता है, टीचर ही बोल रहा है, टीचर ही फिक्स कर रहा है, टीचर ही ऑब्जेक्टिव फिक्स कर रहा है, टीचर ही फॉर्मुलेट कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स को, जहां पर ऐसी बात होती है वहां पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज लगती हैं। जैसे कोई आप लोगों ने बीएड किया होगा तो माइक्रो टीचिंग की होगी, माइक्रो टीचिंग में आप लोगों ने स्किल सीखा होगा, जो स्किल सीखते हैं माइक्रो टीचिंग है वो इस तरह की जो डायरेक्ट टेक्निक से डायरेक्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो भी है वो टीचर तय करता है कि कितना सिखाया जाएगा, कितनी साइकिल चलेगी, कितने मिनट्स की साइकिल होगी, तो ये सारी चीजें जो है जहां पर टीचर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर होता है, स्पेसिफिक स्किल को बताता है, टीचर क्लास में बीच में खड़ा रहता है और वही तय करता है कि क्या करना है, क्या पढ़ाना है, ऐसी स्ट्रेटेजीज को कहते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। ठीक, अब इसका कंपोनेंट क्या होता है इसका देखिए, पहला कंपोनेंट है इसका, सबसे पहले जब क्लास में टीचर घुसता है डायरेक्ट स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करता है, क्या पढ़ाना है आज। कभी कभी कुछ टीचर्स को आपने देखा होगा क्लास में घुसते हैं, ये नहीं पता कि टॉपिक क्या है, पढ़ाना चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में, पढ़ा के तमिलनाडु के बारे में पढ़ा के निकल जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं। फिर आपके मन में होता है कि हम लोग एक ही एरा में क्यों पैदा हुए, कुछ 20-30 साल खिसक गया होता तो कम से कम ये तो हरकत ना देखने को मिलती। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो है वो बताता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ाना चाहता है, टॉपिक ही क्लियर नहीं है और वो पूरा पढ़ा के चला जाता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बेकार का समय उसने बिताया। तो एक चीज ये है कि सबसे पहले गोल्स को तय करता है, फिर उसके बाद स्मॉल स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में वो ये तय करता है इसको पढ़ाना है, फिर इसे पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव जब फॉर्मुलेट करते हैं, आप लोगों ने बीएड किया होगा तो याद होगा, ऑब्जेक्टिव जो आप फॉर्मुलेट करते हो तीन लिखते हैं, टू डिफाइन, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, मान लीजिए हीट पढ़ा रहे हैं, टू डिफाइन हीट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे करके आप बनाते हैं, कई अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इसके आप बनाते रहते हैं। तो जब वहां पे बनाएंगे, जो आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं उसी के अनुसार अपने लेसन के प्लान को डेवलप करते हैं। लेसन प्लान इधर उधर नहीं डेवलप होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स बने होते हैं उसी के आधार पर होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, कहीं कुछ संभावना नहीं है, इधर उधर के छूटने की संभावना नहीं है, सब स्ट्रक्चर्ड है। जैसे पहले से आपने लेसन प्लान बनाया हुआ है उसी लेसन प्लान को आपको जाके पढ़ाना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज में सब कुछ पहले से फिक्स होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ भी फर्क नहीं होता है, क्लियर कॉन्साइज एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन स्मॉल स्टेप्स। पहले क्या होता है, थोड़ा पढ़ाया, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ा पढ़ाया, फिर क्वेश्चन पूछा, अगर आपको लेसन प्लान याद हो अपने बीएड का तो इस तरह से पूछते हैं,
क्वेश्चन पढ़ाया, थोड़ा पढ़ाया, फिर थोड़ा पढ़ाया, फिर थोड़ा पढ़ाया, स्मॉल स्टेप्स में लर्निंग की जाती है, ठीक। और फिर क्या है, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं। क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चन एक इतना बड़ा आधार होता है कम्युनिकेशन को बढ़ाने का, जो दूसरा कुछ नहीं, डायलॉग जिसको कहते हैं। डायलॉग आप और हम दोनों, अगर मैं ही बोलती जाऊंगी तो ये मोनोलॉजिक सिस्टम हो जाएगा। डायलॉजिक होने के लिए ये जरूरी है कि आपको बीच में क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन का आप आंसर करें, जिससे आपका भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत अच्छी तरह से रहे। तो ये कई बार क्या होता है कि टीचर्स होते हैं वो फ्लैट टीचिंग करते हैं, बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछते, बीच में उनको नहीं लगता कि प्रश्न पूछना चाहिए। फ्लैट टीचिंग के साथ हमेशा यह दिक्कत होती है कि वो बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेक्शन या स्टूडेंट्स का जो उसके साथ जुड़ाव है, कनेक्शन है, वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, उनका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसलिए जरूरी है क्वेश्चंस। और उसके बाद स्टूडेंट्स ने जब आते हैं, ड्रिलिंग कराते हैं, कुछ लोग ड्रिल कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि जो आपने सीखा है उसको खूब अच्छी तरह से और आप जान जाएं। आपको याद होगा अगर बीएड के प्लान को देखिए तो इवेल्युएशन के क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग लास्ट में। जो ये इवेल्युएशन क्वेश्चन है वो क्या है? आपको फिर से याद कराना है, फिर से आपको बता देना है, री मेमोराइज कराना है कि आपने ये चीजें आज बहुत अच्छी तरह से पढ़ी। और हमेशा वही लेसन प्लान अच्छा माना जाता है जिसके इवेल्युएशन के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं। हमेशा लेसन प्लान उसी को अच्छा माना जाता है, मैं फिर कह रही हूं, जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास में घुसते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं अपने। तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएटरी क्वेश्चंस को पूछना पड़ेगा। और उस इवेल्युएशन के ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेल्युएशन कैसा आपका रिजल्ट आता है, उसके आधार पर आप ये तय करते हैं कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपने पूरा लेसन पढ़ा दिया और इवेल्युएशन क्वेश्चन आप पूछने लगे, बताओ भाई इसका क्या होता है, ये तो कभी सुना ही नहीं, क्या आप बोल रहे हैं, अगर वो ऐसा बोलने लगे तो क्या आपका लेसन अच्छा है? क्या आपकी टीचिंग अच्छी है? इसका मतलब आपने विद्यार्थी तक कुछ गया ही नहीं, आप कुछ बताने लायक कहीं नहीं है, और स्टूडेंट के किसी भी बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ, ये एक बात गलत मान ली जाएगी। द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट टीचिंग ये हम लोगों ने अभी बात किया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टीचिंग। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टीचिंग के अंतर्गत कुछ होता है, लेक्चर मेथड है, एक्सप्लिसिट टीचिंग है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, गाइडेड शेयर्ड, ये विद इन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, गाइडेड शेयर्ड रीडिंग, लिसनिंग, व्यूइंग एंड थिंकिंग। तो इस तरह की कुछ चीजें, ये हमने सारे मेथड्स यहाँ पे नहीं दिए हैं, कुछ जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं मेथड वो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। लेक्चर मेथड जो है इसके कुछ बहुत लाभ भी हैं और कुछ बहुत हानियां भी हैं। लेक्चर मेथड अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यहां से जोड़ा वहां से जोड़ा और आपने प्रेजेंट कर दिया, तो लेक्चर मेथड ऐसा खराब मेथड कोई दूसरा नहीं है। लेक्चर मेथड में उसका शुरू भी तय करना पड़ेगा, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरैक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। तीनों स्टेज में विद इन द क्लासरूम, बाहर नहीं जाना है। वैसे तो स्टेजेस बाहर होती है, प्री एक्टिव और पोस्ट एक्टिव, लेकिन अभी क्लास में, क्लास में आप लेसन को शुरू करते हैं तब से लेक्चर मेथड शुरू हो जाता है, और लेसन को जब तक खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक लेक्चर मेथड के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स काम करते रहते हैं। सबसे अधिक जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग द लेक्चर। जब आप लेक्चर मेथड भी यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट क्या है, किस ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, कौन सा ग्रुप है, कहां से आया, कितना एक्सपीरियंस्ड है। अगर यहां 20 इयर्स एक्सपीरियंस टीचर होते तो उनका लेवल टीचिंग का, लेक्चर का मेथड दूसरा होता। यदि यहां पर 5 इयर्स के अंदर है टीचिंग एक्सपीरियंस है तो दूसरा होगा, अगर एकदम फ्रेशर्स हैं तो दूसरा होगा, अगर वो बीएड के स्टूडेंट हैं तो दूसरा होगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि लर्नर की इंटेलिजेंस लेवल और उसकी मेच्योरिटी लेवल क्या है। लेक्चर मेथड के लिए इसीलिए फेल होते हैं लेक्चर मेथड, क्योंकि लेक्चर मेथड में ये चीजें नहीं होती हैं। दूसरी चीज, हमेशा देखिए जो अटेंशन स्पैन होता है व्यक्ति का वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं होता एडल्ट का। 40 मिनट्स के बाद आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, ओहो आज तो ये वाली साड़ी बड़ी अच्छी पहनी आज इन्होंने, तीन दिन पहले तो दूसरी पहनी थी, ये तो वो रंग दूसरा था, ये वाला रंग ज्यादा सूट करता है, या मैं पढ़ा रही हूं टीचिंग स्ट्रेटेजीज, आप किस पर स्ट्रेटेजी है आपकी, साड़ी का रंग कैसा है,
क्यों ऐसा हुआ? ह्यूमन बिहेवियर है, ये होगा, ये अटेंशन स्पैन एक सीमा तक रहता है। तो जो अच्छा टीचर है, बुद्धिमान टीचर है, वो जब देखता है 20 मिनट्स बीत रहा है, अब अटेंशन स्पैन पे खतरा होगा, अब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ये क्या करेगा, पूरा अपनी तरफ खींचेगा इसको, स्टूडेंट को, और फिर खींच के सब्जेक्ट की तरफ छोड़ देगा। ये जो नहीं करता है लेक्चर मेथड में, उसके लेक्चर मेथड में मोनोटोनस हो जाता है लेक्चर मेथड, फिर वो वन साइडेड हो जाता है, दूसरा आपका ध्यान ही नहीं देता आपकी तरफ, दूसरा लगेगा कि ये तो बेकार है, हमारी बात नहीं हो रही है। साथ में क्वेश्चनिंग भी होना चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में जब आफ्टर लंच हो तो बीच बीच में आपकी आवाज से थोड़ा वॉइस में मॉड्यूलेशन ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपकी बात को लोगों को समझ में आए। तो ये चीजें, ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी होती है इनके लिए, और किस तरह से चल रहा है मेथड, डेवलपमेंट कैसा है, एक तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया लेसन को, दूसरा उसको डेवलप कैसे कर रहे हैं आप, कहीं ये तो नहीं है कि आपके रास्ते में बड़े रोड़े लटके हैं। कई बार क्या होता है, लोग जब लेक्चर देते हैं तो बहुत फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भाषा की समझ ही में नहीं आती, क्या सिंपल नहीं होता है, बड़े बड़े एकदम लिटरेचर से बड़े बड़े शब्द खोज के ला के उसमें रख देते हैं और ऐसे देख के लेक्चर देते हैं, जैसे ज्ञान ऊपर से टपक रहा हो और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, एकदम आई कॉन्टेक्ट भी नहीं होता, आसमान में देखते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी आप किसी फाउंटेन के पास या किसी झरने के पास या किसी फॉल के पास बैठते हैं और उसमें बड़े बड़े पत्थर आ जाएं, तो उस फॉल की सुंदरता को दिक्कत आने लग जाती है, फ्लो नहीं दिखता उसका। उसी तरह से टीचिंग में होता है, टीचिंग में जो बड़े बड़े जार्गन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, जब ये आ जाते हैं तो विद्यार्थी के अंदर जो उसका लर्निंग प्रोसेस चलता है, जो उसका मेंटल लर्निंग चल रही है, उस लर्निंग में अवरोध आ जाता है, बड़ा बड़ा हिंड्रेंसेस, बैरियर्स आ जाते हैं, और वो बैरियर लर्निंग को कभी भी स्मूथ होने नहीं देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो तो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो। लेसन को किस खूबसूरती के साथ आप डेवलप कर रहे हैं, कहां एग्जाम्पल की जरूरत है जहां आप दे रहे हैं, कहां ऐसा लग रहा है कि अब लर्नर को जगाना है। कुछ लोग देखिए यहां पर भी बैठे हैं, ध्यान में चले गए हैं, मुझे ध्यान से उन्हें ले आना है। मैं यहां एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, मेरे साथ एक पढ़ते थे, मेरे रिलेटिव थे, हम दोनों 10th में, जब मैं 8th में थी तब भी वो 10th में थे, जब मैं इंटरमीडिएट में गई तो भी वो 10th में थे। वो क्या करते थे, जब एग्जामिनेशन होता था तो मुझसे कहते थे साथ में पढ़ेंगे और मुझे टाइम से जगा देना, और एग्जामिनेशन बोर्ड का सुबह 7 बजे से होता है, जगा पढ़ रहे हैं, उठिए भाई, मामा मेरे लगते थे वो, उठिए उठिए, अरे डिस्टर्ब करती हो, मैं सोच रहा था, और ये बीच में इस तरह से हिला दिया, अब मेरे सारा थिंकिंग प्रोसेस बेकार हो गया, तुम्हें जगह बेकार हो तुम, ऐसे। मैंने कहा अच्छा एक बार बदला लेती हूँ उनसे, एक पेपर में क्या किया, मैंने कहा ठीक है थिंकिंग प्रोसेस चलाओ तुम आज। चलाते चलाते जब 6:45 हुआ तो ऐसे उठे जल्दी से, मेरी क्या हुआ, थिंकिंग प्रोसेस में कहाँ विरोध आया, बोले अरे टाइम से जाना, मैं सो गया था, वो सो गए थे और उनका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था। तो ऐसे कुछ लर्नर होते हैं जो बहुत ही गहरे, आज सवेरे वैसे भी मेडिटेशन आप लोगों ने किया है तो गहरे ध्यान में जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए मुझे बार बार आपको खींच के इधर ले आना पड़ रहा है। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड में इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट और तीसरा है इंटीग्रेशन। लास्ट में आपने देखा होगा क्लोजर स्किल होती थी, अगर आप लोग को बीएड याद हो तो क्लोजर स्किल होती, स्किल ऑफ क्लोजर, उसमें क्या होता था, उसमें केवल एक चीज होती है, आज हम लोगों ने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, जो इंटीग्रेट करते हैं पूरे लेसन को, पहले शुरुआत क्या हुई, डेवलपमेंट क्या हुआ और अंत में क्या हुआ। तो इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, ये तीन चीजें जब तक लेक्चर मेथड में नहीं होंगी तब तक लेक्चर मेथड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य यह है लेक्चर मेथड से अच्छा मेथड कोई दूसरा नहीं है, प्रोवाइडेड जो देने वाला है उसको पता होना चाहिए कैसे डिलीवर किया जाए लेक्चर को। अगर ये नहीं है तो वो किसी भी तरह से इसके साथ न्याय नहीं कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और ज्यादातर कोर्स को कंप्लीट करना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज द्वारा ही ज्यादा कोर्स कंप्लीट होता है, जो चिंता थी कोर्स कंप्लीट और कवर की, ज्यादा बड़ा लेवल बड़े ग्रुप को पढ़ाने के लिए लेक्चर मेथड ही सबसे अच्छा होता है, लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, यहां तक कि आप जो क्वेश्चंस बीच में पूछते हैं वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, लर्नर को एक बार भी नहीं लगना चाहिए कि आप जो पूछ रहे हैं वो उसके मेंटल लेवल के
नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उसके लेवल पर होना चाहिए। और मैं ये बार बार क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ मेंटल लेवल की, जो टीचर इसे बिना सोचे पढ़ाता है क्लास में वो टीचर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये मैं आपको यहाँ पर इतने वर्षों की टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद आपसे कह रही हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, अभी तो आप लोग बहुत आगे, बड़ा लंबा रास्ता है, माइल्स टू गो, तो वैसे ये जानेंगे तो बहुत। हम लोग तो रिटायर्ड लोग हैं तो चिंता की बात नहीं है, हम लोगों ने अपनी पाली खेल ली, अब आपकी पारी है, उसको खेलना है आपको। तो ये सब जो टिप्स हैं ये आप जानेंगे तभी ठीक होगा। एक्सप्लिसिट टीचिंग होती है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पूरा डिटेल्ड जब बताया जाए तो एक्सप्लिसिट टीचिंग होती है। जब आप किसी सब्जेक्ट को लें, कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स को ले लें, कुछ एक चीज को ले लें, कोई स्पेसिफिक टॉपिक को ले लें और उस टॉपिक को लेकर उसके बारे में डिटेल्ड जब बताएं तो एक्सप्लिसिट टीचिंग के अंतर्गत आता है। और ये ज्यादातर टीचिंग स्किल्स के साथ ये जुड़ता है बहुत ज्यादा। उसमें उसके बारे में अगर हम पूरी गंभीरता से बताएं, स्टेप बाय स्टेप भी बताएं और पूरा डिटेल्ड बताएं, उसमें उसी पर कंसंट्रेट करके जब बताते हैं तो वो एक्सप्लिसिट टीचिंग के अंतर्गत आता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस आप जानते हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़ मति होई सुजान। अगर आप लोग समझते हो इसे, तो कि जो बहुत ही ईडियट भी होता है, मोरॉन भी होता है, वो भी अगर एक्सरसाइज करता रहता है तो उसे कुछ ना कुछ उसके पर्सनालिटी में चेंज आता है। तो ज्ञानी लोगों के तो बहुत ही आएगा। फिर है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। जब आप बीएड का लेसन प्लान बनाते थे तो उसमें कई जगह जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके पूछते हैं एंशियंट टाइम में सिविलाइजेशन कैसा था, तो बच्चा बोलेगा ऐसा था। आजकल का जो है वो शहर का, सिटी में सिविल इस तरह से डिमांड चलता है, डीएम जो है कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है। उस समय की व्यवस्था कैसी थी, क्या कैसे डिसिप्लिन था, आज का डिसिप्लिन कैसे है, उस समय राजा का क्या धर्म था, आज के राजा का क्या। ये जब आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, उससे कंपेयर करें, कहेंगे उस समय कैसी व्यवस्था चलती थी, बोलेंगे ऐसे घर थे, वो तो पुरानी बात थी, आज जो है वो इसकी उलट व्यवस्था इस तरह से चलने लगी है। तो क्या हो जाएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन, जो ये चल रहा है ये भी एक तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन है। यदि मान लीजिए मैं बॉटनी की क्लास लेती और आपको बोगेनवेलिया के विभिन्न वैरायटी के बारे में बताती, बोगेनवेलिया को वहां रख के, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन होता। तो जब कोई भी चीज किसी भी फ्लिप चार्ट के द्वारा या किसी एड के द्वारा, किसी भी ऑडियो विजुअल एड के द्वारा यदि हम क्लास को लेक्चरिंग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके करते हैं, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। और साइंस के लिए, साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। इसी को कभी कभी लेबोरेटरी मेथड के रूप में भी कन्वर्ट कर देते हैं, वहां भी डिमॉन्स्ट्रेशन लेबोरेटरीज में भी देते हैं। तो ये मेथड छोटे क्लासेस के लिए, जहां पर बच्चों को कम समझ में आता है, जहां पर कॉन्क्रीट लेवल की बात होती है, वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छा होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए ये मेथड उतना यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने में दिक्कत आएगी। फिर है गाइडेड एंड शेयर्ड रीडिंग। आप आजकल जो है नया जो सिलेबस बना है, बीएड का भी सिलेबस बना है, उसमें भी रिफ्लेक्टिव रीडिंग की बात की गई है। रिफ्लेक्टिव स्टडी, आप पढ़ रहे हैं और पढ़ के कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें जो आपके व्यू पॉइंट है वो भी सामने आप ला रहे हैं। तो इस तरह की जो टीचिंग है, गाइडेड लिसनिंग, क्या समझ सुनना है क्या नहीं सुनना है। मैंने अपने जीवन में जो सबसे अच्छा माना है वो माना है आर्ट ऑफ लिसनिंग। बहुत कम लोगों में आर्ट ऑफ लिसनिंग होता है, बहुत कम लोगों में, जानते ही नहीं है। साइंस ऑफ लिसनिंग तो किसी के पास नहीं है। साइंस ऑफ लिसनिंग क्या है, आप ये जाने कि लिसनिंग से लॉजिक क्या क्या कहां कहां लगा हुआ है, कौन कौन सी चीजें लिसनिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी आपके जो फैकल्टीज हैं वो कहां कहां डेवलप हो सकती हैं अगर आप आर्ट ऑफ लिसनिंग आपको आ जाए। ज्यादातर हम क्या है, हम सब बोलने में विश्वास ज्यादा करते हैं या कुछ न करने में विश्वास करते हैं, सुनने में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। और ज्यादातर झगड़ों की जड़ यही है कि हम सुनना पसंद नहीं करते। आप अपने बिहेवियर में भी देखिए, अगल बगल जहां भी, चाहे वो वर्क प्लेस पर, चाहे घर में, चाहे इंट्रा, खुद भी नहीं सुनते हैं और वहां पर सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो व्यूइंग, किसी चीज को देखना है, एक्टिव व्यूइंग और पैसिव व्यूइंग। मैंने एक दिन क्लास में पूछा कि बताओ कितने लोग आज सड़क पर नीली शर्ट पहन के आए थे, मैडम ये तो नहीं देखा। वो तुमने देखा नहीं क्या लोगों को, नहीं देखा, बहुत से लोगों को देखा, नीली शर्ट कितने लोग पहने थे, नहीं देखा, कल देख के आना, कल देख के आए। बोले आज मैडम आ रहे थे, 7 लोग नीली शर्ट पहन के आए थे, उसमें एक का थोड़ा स्काई ब्लू था, एक का नेवी ब्लू था, एक का ये था, एक क्या हुआ। अब
वही है, उसने कल भी देखा आज भी देखा, फर्क कहां पड़ा? फर्क ये पड़ा कि एक्टिव व्यूइंग हो गई थी, एक्टिव व्यूइंग हो गई थी। आप किसी चीज को देखते हैं, और टीचर का ये धर्म है कि रीडिंग एक्टिव कराए, वो गाइडेड कराए, एक्टिव लिसनिंग कराए, एक्टिव व्यूइंग कराए और एक्टिव थिंकिंग कराए। पैसिव थिंकिंग नहीं। आपके क्लास में यहां इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों की थिंकिंग एक्टिव है और कुछ लोग, अरे 5 दिन का कोर्स है, आज चौथा दिन है, कल हे भगवान गंगा नहाएंगे जाके। तो ऐसा अगर इस तरह का होगा तो वो चीजें आपके पास तक पहुंचेंगी नहीं। एक्टिव लिसनिंग होने, समय तो आप दे ही रहे हैं, थोड़ा दिमाग भी खुल जाए तो क्या बिगड़ता है, एक्टिव लिसनिंग हो जाएगी। सब लोग ऐसे नहीं बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत है उस दिशा में भी जाने की, तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ये जो जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं ये डायरेक्ट हैं, और टीचर का रोल इसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता, टीचर को ही करना है। और टीचर का रोल इसलिए नहीं कि टीचर सब कुछ हाथ में लिए रहे, टीचर इसलिए ये रोल कर रहा है कि लर्नर को एक दिन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को चुनने के लिए तैयार कर सके, इतना उसके अंदर एक्टिव थिंकिंग एक्टिव लिसनिंग इतनी डेवलप कर दे कि वो एक दिन खुद चुन ले ये जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है वो लर्निंग स्ट्रेटेजी में चेंज हो जाए। क्या अंतर है दोनों में? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी टीचर्स की तरफ से रहती है, और लर्निंग स्ट्रेटेजी तब हो जाती है जब लर्नर खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज को चुनने लगता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लगता है, इंडिपेंडेंट स्टडी करने लग जाता है, तो वो हो जाती है। थोड़ा अंतर है इंस्ट्रक्शनल टीचर के साइड में, लर्निंग लर्नर के साइड में। जब लर्नर इतना एक्टिव हो जाए, इतना एफिशिएंट हो जाए कि खुद अपनी स्ट्रेटेजीज को चुन ले, तो वो लर्निंग स्ट्रेटेजीज में बदल जाती है। छोटी सी बात है, ज्यादा ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। फिर ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये हम बात कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज की, ये क्या क्या होती हैं, कहां कहां इसमें खासियत होती है। ये इफेक्टिव होती हैं, हम लोग सब जानते हैं, जहां पर लार्ज ग्रुप होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई बहुत बड़े ऑडियंस की बात है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहां पर आप इसको बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज। और विवेकानंद कहते थे, जब विवेकानंद अपना स्पीच देते थे, उन्होंने टीचर्स के लिए ये कहा है कि चाहे वो 500 लोग क्यों ना बैठे हो, 500 का लार्ज ग्रुप क्यों ना हो, लेकिन टीचर इफेक्टिव वही है जो 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर लेता है सबसे, जो अपनी बात को हर व्यक्ति के अंदर उतार लेता है, टीचर वही इफेक्टिव है। और ये कैसे संभव हो सकता है? डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज के द्वारा संभव हो सकता है, कि अच्छी तरह से डिस्कशन के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, डिबेट के थ्रू, अपनी बात को पैनल डिस्कशन के थ्रू, जहां पर टीचर का भी रोल है और लर्नर का भी रोल है, ऐसी जगह पर टीचर प्रोमिनेंट है, लर्नर जो है वो पेरिफेरी में है। तो ये ऐसा अगर इस तरह कहीं हो जाता है तो वो स्ट्रेटेजीज काम करती हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि जो कोई स्पेसिफिक आइडियाज हैं, स्पेसिफिक स्किल्स हैं, स्किल टीचिंग में बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ती है। जब आपने स्किल सीखी होंगी, साइकिल सीखा होगा, तो वो टीचर बताते होंगे कि ऐसे करना है, डेमोंस्ट्रेट करते हैं, उसके बाद आप सीख सकते हैं। फिर ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की बात होती है, जहां पर इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, इस तरह के जहां बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है, थोड़ा सीख के फिर इवेल्युएशन, फिर थोड़ा सीखा फिर इवेल्युएशन, ऐसी जहां पर टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, वहां पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज बहुत अधिक हेल्प करती हैं। फिर शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, जहां पर जब बहुत ज्यादा अपने आप बच्चे नहीं कर सकते हैं, अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, इतने मेच्योर नहीं है कि वो खुद ही सब कुछ सोच लें, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, विजन को क्लियर करने के लिए, फिलोसफीज को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करें। फिर ये इंटरेस्टिंग भी हो सकती हैं यदि बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएं, बीच बीच में डायलॉजिक मोड में रहे, और मल्टीमीडिया को यूज करें क्वेश्चनिंग के लिए, बीच बीच में क्वेश्चनिंग होती रहे। अब जैसे देखिए लास्ट में जो आप हैं, प्लीज जरा सा आप, हाँ आइए, यू नहीं, आपके बगल में, हाँ या, व्हाट इज योर टीचिंग सब्जेक्ट, यू डिड योर बीएड और नॉट, यू आपने बीएड किया है अपना, टीचर ट्रेनिंग में किया है, वहां टीचिंग सब्जेक्ट क्या था आपका? टिबेटन था। और दूसरा सब्जेक्ट टीचिंग में और क्या था? सोशल साइंसेज या साइंस में कुछ था?
कौन सा मेथड आपने यूज किया था? कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने क्या किया इस समय? मैंने क्वेश्चनिंग को लिया। अब उनको पूछा तो आप सब अलर्ट हो गए। एक दो लोग जिनकी आंखें बंद हो रही थी वो खुली, अरे किसी तरफ भी जा सकती है, कोई ठिकाना नहीं किसकी तरफ नजर चली जाए। तो ये केवल मैंने ये अभी एक टेक्निक यूज किया है, छोटा टेक्निक है, ये समय कम है नहीं तो सारी टेक्निक्स यूज करती। तो ये पर्पस आर क्लियर टू स्टूडेंट। देखिए इसमें लेक्चर मेथड में सबसे बड़ी बात यह होती है कि टीचर क्लास में आया तो उसे पता है विद्यार्थियों को कि आज क्या पढ़ाना है। मैं आज पढ़ा रही हूँ आपसे, लेक्चर मेथड यूज कर रही हूँ और आपको सबको मालूम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजीज पढ़ा रही है। कोई ऐसा यहाँ इतने लोग सोए हैं, किसी को ये नहीं लग रहा होगा कि मैं किसी ड्रामा में पार्ट लेने आई हूँ, लग रहा है किसी को? तो ये चीज जो है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यही करना है अंत में। और जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है मैंने आज क्या क्या आपको बताया। उसके बाद है मटेरियल इज प्रेजेंट इन लॉजिकल मैनर। जब आप फिर लॉजिकल मैनर माने इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, इस तरह से मैटर्स। कभी भी किसी भी टीचिंग सिस्टम में यदि आपने कॉन्सेप्ट को पहले दे दिया और एग्जाम्पल को बाद में दिया, मतलब डिडक्शन जब होगा, डिडक्टिव मेथड में आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका ग्रुप उस मेथड के लिए तैयार है कि मेंटली प्रिपेयर्ड है कि नहीं। नहीं तो इंडक्टिव मेथड के थ्रू छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ते बढ़ते आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो ग्रुप के मेच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉजिकल मैनर में आप किस तरह से अपने टॉपिक को, अपने लेसन को, अपने सब्जेक्ट को, अपने कंटेंट को कैसे वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए भी, जो बहुत ही एकदम स्पेसिफिक ढंग से ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफी अच्छा माना जाता है। फिर इसकी वीकनेस कुछ है, जैसे मेरे ऐसा टीचर हो जो अच्छा नहीं पढ़ा पाता है, जब वो टीचर अगर पढ़ाएगा तो आप सोना शुरू कर देंगे। जैसे आप में से दो तीन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है कि जरा और अच्छा सीखिए, थोड़ा आपको कुछ आता वाता नहीं है। तो ये टीचर के लिए भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रिपेयर करता है लेसन को, कैसे ये बीच में कहां खतरा पैदा कर सकता है, कैसे क्लास को ले सकता है, कैसे पूरे क्लास को अपने साथ लेके चल सकता है, ये बहुत डिपेंड करता है टीचर का। फिर टीचर को अपने कंटेंट के बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि कई बार हम ढेर सारे वर्ड्स को जोड़ देते हैं और बड़े बड़े वर्ड्स जिनका मतलब हमें भी नहीं मालूम है, वो कहीं से हम उतार लेते हैं, उतार के बोल देते हैं, और जब स्टूडेंट जानना चाहता है तो उसे लगता है कि वो कहीं बीच में फंसा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े पत्थर यदि नदी के बीच में रख दिए जाएं तो उनका प्रवाह रुक जाता है, उसी तरह लर्निंग में यदि बड़े बड़े शब्द रख दिए जाएं तो उनका फ्लो रुक जाता है, और वो फ्लो अगर रुक जाता है तो कभी भी बिहेवियर में चेंज नहीं आ सकता। ये आजकल की ज्यादातर टीचिंग्स में ये दिक्कत आ रही है कि पढ़ाते हैं कुछ और पढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात होती है, नॉट एज इफेक्टिव फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जहां पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का अर्थ क्या है, देखिए जब आप ब्लूम्स की टिक्सोनॉमी को पढ़ेंगे तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ये जो एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन है ये हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। तो जब जहां पर एनालाइज करेंगे आप तो वहां पर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज आपकी बदल जाएंगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको सब्जेक्ट में उतरना पड़ेगा, कोई दूसरा दे रहा है कुछ तब नहीं लेना है, खुद जानना पड़ेगा, खुद डिस्कवर करना पड़ेगा, खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा नॉलेज। और जब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा नॉलेज तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर उतरना पड़ेगा, किसी दूसरे के ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है। तो वहां पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में बहुत अधिक ये डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज जो है वो काम कम करती हैं, करती हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, अगर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड लेक्शन लेक्चर है तो करेंगी वहां पर भी, अगर स्ट्रक्चर्ड अच्छी तरह से नहीं है, ठीक से फ्रेम्ड नहीं है लेक्चर, तो वो विद्यार्थी को कष्ट ज्यादा देगा, उसका हित नहीं कर सकता, तो इसलिए इस बात को भी समझ ना पाएगा। लैक ऑफ क्रिएटिविटी फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए जब किसी चीज को बांध दीजिए कहीं से आप, जैसे नदी है, नदी को डैम बना दें अगर आप, तो नदी का जो स्वाभाविक प्रवाह है, जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो, वो खत्म हो जाता है। उसी तरह से बहुत स्ट्रक्चरिंग जब टीचिंग में आ जाती है तो नेचुरल फ्लो खत्म हो जाता है टीचिंग का। तो ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज की एक ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, कि इसमें स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे आपका फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, तीन सिस्टम होते हैं ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल।
जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कौन है? यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है, स्ट्रक्चर्ड है, 10 से 4 आपको बैठना है, साइंस पढ़ने का मन है आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ने का मन है ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ने का मन है सोशल स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, कुछ पढ़ने का मन नहीं है मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड है, टाइम टेबल फिक्स है और उस पीरियड में वहीं जाके बैठ के आपको पढ़ना है। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग होती है ये कई बार क्रिएटिविटी के साथ बड़ा नेगेटिवली जुड़ती है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है इस पर। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की एक प्रॉब्लम है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी कभी कभी क्रिएटिविटी को कहीं खत्म कर देती है। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के जो बहुत लोग फर्क खोजते हैं इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इंटेलिजेंस जो होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट थिंकिंग को बल देता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग को बल देती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए जब गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट प्रोडक्शन लगाया इंटेलिजेंस के लिए, तो यहां पर इसीलिए लगाया कि इंटेलिजेंस के साथ क्रिएटिविटी को भी जोड़ा जा सके। तो ये जो क्रिएटिविटी को मार करता है, क्रिएटिविटी पे नुकसान पहुंचाता है, और अगर टीचर और लर्नर क्रिएटिव ना हो तो सिस्टम बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए ये इसका एक माइनस पॉइंट है कि ये करता है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज। इनडायरेक्ट क्या क्या है? इनडायरेक्ट में जो स्ट्रेटजीज हैं इसमें जो कुछ वहां हो रहा था डायरेक्ट में उसका ठीक उल्टा है, ठीक ऑपोजिट है। यहां पर सारी स्टडी जो होती है स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट की नीड, उनकी इंटरेस्ट, उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी, उनकी डिमांड, उस पर सारे के सारे मेथड, टीचिंग मेथड्स फिक्स होते हैं। सब वही करता है, स्टूडेंट करता है। स्ट्रेटजीज टीचर देते बताते हैं लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड होती है, स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट बीच में है, जो रोल है उसका स्टूडेंट का मुख्य रोल है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। अभी तक टीचर सेंटर्ड था डायरेक्ट मेथड, ये है स्टूडेंट सेंटर्ड, माने स्टूडेंट बीच में है और टीचर को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट बिहेव करना है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था टीचर की भूमिका फैसिलिटेटर की हो जाती है। लर्नर को जरूरत है, अभी आपकी जरूरत है तो आप उपस्थित रहिए, यदि आपकी जरूरत नहीं है तो आप उपस्थित मत रहिए। आप पर डिपेंड करता है कि आप लर्नर को कितना हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है पूरी तरह से हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ये शब्द लिखा हुआ है। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कहीं भी किसी तरह से स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और कहां से होना चाहिए? ऑब्जर्व करने में भी स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इन्फ्रेंस करने में भी, उसका रिजल्ट निकालने में भी होना चाहिए, रिजल्ट को लागू करने में भी होना चाहिए, और हाइपोथेसिस, किसी चीज का हाइपोथेसिस समझते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हंच एक होता है कि टेंटेटिव आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम, वो भी उसको ही निकालना है, प्रॉब्लम में भी घुसना है उसको, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथोडोलॉजी भी उसी को खोजनी है। प्रॉब्लम भी खोजनी है, प्रॉब्लम के अंदर भी उतरना है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, और सॉल्व करके उसका परिणाम भी बताना है। ये सब लर्नर को करना है। जहां लर्नर रुक रहा है, कहीं उसको दिक्कत आ रही है, जहां वो लग रहा है कि नहीं कर पाएगा, वहां टीचर फैसिलिटेट करता है, उसको हेल्प करता है कि इसको ऐसे करोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। बस इतनी ही भूमिका टीचर की होती है। लर्नर कहीं मुसीबत में पड़े तो टीचर उसको मदद कर दे, इतनी भूमिका यहां पर टीचर की होती है। और देखिए इसमें साफ लिखा है इट टेक्स एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। ये दो चीजें बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज में अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है और स्टूडेंट क्यूरियस नहीं है, जानना नहीं चाहता कुछ, तो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज कभी भी काम नहीं लगती है। उसकी आदत हो गई है मोनोटोनस पढ़ने की, डायरेक्ट स्ट्रेटजीज लगा दो, बता दो उसको, कंपेल कर दो कि यही करना है, तो वो उतना ही करेगा। जब अपने आप खोजने का उसका कुछ मन करे, अपने आप पढ़ने का मन करे, अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मन करे, उस समय जो स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करेगा वो है इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। कब ये लर्निंग में बदल जाएगी? जब लर्नर अपने आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाएगा, चूज करना, सिलेक्ट करना सीख जाएगा। इनडायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है? टीचर का रोल जैसे मैंने आपको बताया, फैसिलिटेटर का रोल हो जाता है, सपोर्टर का रोल हो जाता है, और रिसोर्स पर्सन का। रिसोर्स पर्सन की जरूरत कब होती है?
जब आप किसी कार्य को कहीं बाधा बाधा पहुंचती है, हिंड्रेंस आती है, कोई बैरियर है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं अब किसी की हेल्प लिया जाए, किसी ज्ञानी जन की। हम लोग जब पढ़ते हैं, अभी भी इस लेवल पर भी जब पढ़ते हैं, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, प्रोफेसर पांडे को फोन करते हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा लो ऐसे है देखो, फिर नहीं ये तो ऐसे नहीं होता, अच्छा रुको फिर बताता हूँ, फिर तो एक घंटे बाद फोन करो, वो भी कुछ कहीं से जान के समझ के फिर डिस्कशन होता है, और फिर अंत में एक बात, हम लोग के लिए एसेट है वो, जहां भी कहीं दिक्कत होती है तुरंत फोन किया, और गुरु जो है वो अपना रिसोर्स पर्सन यही करते हैं। रिसोर्स पर्सन ये नहीं कर सकते कि ले मेरी उंगली पकड़िए आप चलाइए मुझे, नहीं, वो रिसोर्स पर्सन नहीं होगा, वो टीचर हो गया, फैसिलिटेटर हो गया, सपोर्टर हो गया, और आप चलिए कहीं गिरिएगा तो हम हैं, ये भाव जो होता है वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज में टीचर के रोल के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है टीचर, देखिए और क्या करता है, अरेंजेस द लर्निंग एनवायरमेंट, बहुत जरूरी है, लर्निंग एनवायरमेंट नहीं है तो क्यूरियोसिटी पानी में चली जाती है। बच्चा बहुत, आपने घर में भी देखा होगा, छोटे बच्चे बहुत से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि कई बार बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, कैसे जवाब दें, लेकिन उनके प्रश्नों को दबाना अपराध है। अगर आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो जानना चाहते हैं कुछ, तो आपका धर्म बनता है कि आप उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करें, उनके लिए ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें जिसमें अपनी क्यूरियोसिटी को वो अच्छी तरह से जान सकें, उसका उत्तर जान सकें, उसके सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम को। तो ये एक टीचर क्या करता है, फैसिलिटेटर है, लेकिन वो लर्निंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है, वो अलग अलग रहता है लेकिन इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट टीचर ही करता है, वहां पर भी शुरुआत इनिशिएट वही करता है, और फिर लर्नर को कहता है कि अब मैंने शुरू कर दिया, अब तुम अपनी समस्या को देखो। प्रॉब्लम रखने का काम टीचर करता है, उसमें से प्रॉब्लम को खोजना स्पेसिफिक लर्नर का काम है, और प्रॉब्लम का हल निकालना लर्नर का काम है। वहां कहीं अगर अड़ंग, कहीं अड़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, अटक रहा है, तो वहां टीचर जो है वो हेल्प करता है। वाइल दे कंडक्ट द इंक्वायरी, प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट वाइल दे कंडक्ट। उसके बाद मान लीजिए जैसे आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कोई थोड़ी प्रशंसा करे, कोई थोड़ा कहे कि नहीं नहीं ठीक, बहुत अच्छा, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि थोड़ा मोटिवेशन वो चाहता है, थोड़ा फीडबैक चाहता है, थोड़ा इंसेंटिव चाहता है। ऐसे ही स्टूडेंट है, जब वो काम करता है और कागज कुछ लाता है आपके पास, देखिए ये मैंने किया, ये फाइंडिंग है, आप उसको एनकरेज करेंगे। टीचर क्या करता है, एनकरेज करता है, कहता है कि नहीं तुम ठीक डायरेक्शन में हो, या उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है तो कहता है कि इसको इस तरह से करके देखा जाए तो कैसा रहेगा, करो या नहीं कहेगा, ऐसे करके देखा जाए तो कैसा रहेगा। तो एक जो ग्रुप फीलिंग है, एक जो स्टूडेंट को ये बताना कि तुम भी कुछ कर सकते हो, ये इंस्ट्रक्शनल इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें लर्नर की पर्सनालिटी को डेवलप करने के बहुत बहुत मौके मिलते हैं, और इससे पर्सनालिटी ज्यादा डेवलप होती है इन कंपैरिजन टू द यूज ऑफ डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें लर्नर, अभी देखिए आप जो कोर्सेस चल रहे हैं, आप लोग जो छोटे क्लासेस को पढ़ाते हैं, उसमें एक्टिविटी का पोर्शन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, सारे लेसन के पीछे एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। आप उनको ये बताते हैं खुद करो, खुद करना है, और खुद करके लाओ और करो। और अब अभी दिक्कत क्या है, एक्टिविटी कैसी होती है, प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, माएं प्रोजेक्ट ज्यादा करती हैं, बच्चे कम करते हैं, और माएं करवर के ला के दे देती हैं, तो जो पर्पस है वो सर्व ही नहीं हो पाता है। बच्चे को जो करना चाहिए, मेरा एक निफ्यू है, वो ये आज मिला है ये करना है, मैंने कहा तुझे मिला है, मुझे थोड़ी मिला है, मैं फिफ्थ में थोड़ी पढ़ती हूँ। बोला नहीं नहीं करो तुम करो, हमने कहा ना नहीं करूंगी, तुम जैसे तुम्हें आता है वैसा करो, जहां तुम्हें नहीं आ रहा है वो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगी। और शुरुआत में ये आदत थी, अब सीख गया है, अब एट्थ में पहुंच गया है बड़े क्लास में, अब अपने आप करना सीख गया है, और अब एंजॉय करने लगा है उसको। देखिए सेंस ऑफ अचीवमेंट, कुछ मिल गया है, हमने किया है, ये मेरा है, ये मेरी मेरा क्रिएशन है, ये आनंद तभी हो सकता है जब आप इन्वॉल्व हो जाए सिस्टम में। और सिस्टम में इन्वॉल्व होने के लिए ये बहुत बड़ा काम जो है वो करता है, ये इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज करती हैं। कठिन होती है, लर्नर को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, लर्नर को बहुत क्यूरियस होना पड़ेगा, लर्नर को बहुत ज्यादा उसके अंदर परसीवरेंस होना पड़ेगा,
कुछ गुण होने पड़ेंगे उसके अंदर, लेकिन अंत में जाकर जो एजुकेशन का पर्पस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो पर्पस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज जो इनडायरेक्ट होंगी उसी से ज्यादा होगा। तो ये समझना पड़ेगा कि क्यों होता है। अब देखिए इसमें मैंने कुछ लिया है, पूरा नहीं लिया हुआ है, बहुत ज्यादा है इसमें, कुछ मैंने लिया है। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलेबरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माइंड मैपिंग, सिमुलेशन, केस स्टडीज, इसके अलावा भी बहुत सी है। डिस्कवरी लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी, टीचिंग विद सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बहुत जरूरी है। आजकल तो टीचर क्लास में घुसते हैं और लगता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, और इमरजेंसी एक गन 40 45 50 मिनट तक इमरजेंसी चलता रहता है, और उसके बाद बाहर निकले तो वो लंबी सांस लेता है, वो अरे मुसीबत कट गई। तो ये बच्चे भी एकदम बैठे रहते हैं जैसे लगता है कि किसी तलवार की एज पे बैठे हैं, और टीचर घुड़कता रहता है। और जानते हैं टीचर कौन सबसे अधिक डांटता है? वो टीचर डांटता है जिसमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होता, जो कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो टेरर क्रिएट करता है ऐसे। नहीं तो जो अच्छा टीचर होता है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में पढ़ाता है, लर्नर को पूरा मौका देता है, और यदि कुछ नहीं आता तो वो कहता है कोई बात नहीं, कल मैं पढ़ के आऊंगा तुम्हें बता दूंगा, स्वीकार करता है। आप अगर आप ज्योग्राफी में एमए हैं और मैंने क्लास 8 तक ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप मुझसे ज्योग्राफी ज्यादा जानते हैं, इसको स्वीकार करने में हर्ज क्या है? लेकिन टीचिंग मैं जानती हूं ज्यादा, ये तय होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो आप ज्यादा जानते हैं, तभी टीचिंग गिविंग प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप चाहें कि जैक ऑफ ऑल हो जाए और उसमें आपका ईगो क्लैश होने लग जाए, तो ये टीचिंग के लिए बहुत खतरनाक होती चीज होती है। एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर लर्नर कभी बहुत अच्छा आंसर करता है तो टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बहुत अच्छा आंसर है, और उसको प्रेज करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए चल कर दिया प्रैक्टिकल में देख लूंगा तुझे, तो वो बेचारा कभी जो थोड़ा बहुत उसके अंदर क्रिएटिविटी है, इनोवेटिवनेस है, वो सब खत्म हो जाएगी, और आप उसको आप इतनी आप एक मर्डर के दोषी होंगे, अपराधी होंगे आप, और टीचर को ये संभावना ज्यादा रहती है ऐसे मर्डर्स की। तो इसलिए बच के विद्यार्थी को एकदम अपने बच्चे की तरह से कितना फ्लरिश कर सकें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसकी उसके आनंद में अपने आनंद को देखना चाहिए। रोल प्ले एंड सिनेरियो एनालिसिस बेस्ड टीचिंग, घबराइएगा नहीं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये अगर डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है इसमें छोटे छोटे, अब ये सब यहाँ करवाया जाना चाहिए, लेकिन कैसे करवाएंगे बताइए, ये स्मॉल हेट्रोजीनियस स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे, और उनको एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं, ये है कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके अंदर फिर ये स्टूडेंट जो होते हैं ये सब जितने भी हैं छोटे ग्रुप में सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब करेंगे इसमें। और ये जो कोलेबरेटिव लर्निंग होती है उसी का एक्सटेंशन फॉर्म होता है। कोलेबरेटिव लर्निंग जो होती है वो दूसरी जगह से भी हो सकती है, जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबरेट कर लिया, वो वहां उसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डिस्कशन आपस में कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, तो वो कोलेबरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में फेस टू फेस होना जरूरी है, सामने होना पड़ेगा एक दूसरे को, छोटा ग्रुप बनेगा, उस छोटे ग्रुप में आप कोई प्रॉब्लम दे देंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सबके रोल्स अलग अलग होंगे और सब मिलजुल कर उसमें काम करेंगे, जैसा इसके नाम से लगता है कि कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ है। एक जगह कोलेबरेट करना है दूरी रह सकती है, यहां कोऑपरेट करना है कैसे, फेस टू फेस सिचुएशन में, ये दोनों में फर्क है। देखिए यहाँ एक कुछ ऐसा बना है कैसे होता है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज कैसे होती हैं। पहले ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे उनको देते हैं किस तरह से क्या करना है, फिर उसके गाइडलाइंस देते हैं, फिर असाइन करते हैं उनको जो वर्क है वो करते हैं, और फिर उसके बाद अंत में जाकर लास्ट में रिजल्ट जो है उसको शेयर करते हैं। पहले क्या करते हैं, ग्रुप को असाइन करते हैं, फिर क्या करना है ये थोड़ा गाइडलाइन दे देते हैं, करवाते नहीं है अपने आप, गाइडलाइन केवल देते हैं, करना किसे है, स्टूडेंट को करना है। फिर असाइन टास्क विथ पैरामीटर्स, असाइन टास्क विथ पैरामीटर्स, जो जो आपको करना है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, थोड़ा रास्ता बता देते हैं, यहां से गुदौलिया जाना है
ऐसे जाओगे, यहां मुड़ोगे, ऐसे रास्ता हो जाएगा, लेकिन लेके गुदोलिया नहीं जाएंगे, जाना खुद है। और फिर असेसमेंट, कितना उसने किया फीडबैक, और फीडबैक के बाद जो थोड़ा अगर कहीं डाइवर्ट कर गया है, डेविएशन आ गया है कहीं, तो उसको फिर से सीधे रास्ते पर लाएंगे और उसके आधार पर करेंगे। उसमें क्या चीज होता है, देखिए प्रोमोटिव इंटरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होती है ग्रुप में आपस में, फिर अचीव करने का एक एफर्ट। आपको जैसे यहां बैठे हैं, यहां क्लास में लेक्चर खत्म हुआ और तुरंत आप अपना बैग वैग लेंगे और घर चले जाएंगे, लेकिन अगर इसी चीज को आपने कंस्ट्रक्ट किया होता, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, आपने डिस्कशन के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया होता, तो ये पूरी तरह से आपका अपना होता और वो कभी ना भूलता। इसलिए जो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसके द्वारा जो बिहेवियर चेंज होता है वो जल्दी भूलता नहीं है, वो विद्यार्थी के अंदर रहता है। इसमें कई चीजें हैं, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, जैसे आप 6 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उसमें एक का आपको नाक उसकी पसंद नहीं है, टेढ़ी नाक है उसकी, लेकिन आपके ग्रुप में है तो उसके नाक को अवॉइड करके कुछ जो अच्छा है वो देखें, लेकिन आपको ग्रुप के साथ एक रहना पड़ेगा, ग्रुप फीलिंग है। कई बार हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जो टीचर चालाक होता है वो उसी ग्रुप में दे देता है एक साथ, तो आपको उसके साथ रहना आना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, इंक्लूजन है यहाँ पर, तो इसमें सबको लेकर चलना वो जो बिहेवियर होता है, वो ऐसी जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है या कोलेबरेटिव लर्निंग होती है, इसमें ये सब चीजें, जो सोशल इमोशनल लर्निंग होती है, जो आप उस दिन प्रोफेसर सामदन लेक्चर दे रहे थे, सोशल इमोशनल लर्निंग जो होती है वो इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसमें ये कॉग्निटिव के साथ जो कोकॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है वो एस्पेक्ट भी यहाँ पर काफी प्रबलता के साथ सामने आता है, वो भी हेल्प करता है। केवल ज्ञान ही नहीं है, कैसे समाज में रहना है और कैसे टुगेदरनेस डेवलप होती है, वो वाली फीलिंग भी कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलेबरेटिव लर्निंग से हो सकती है। फिर इसका जो कैसे, अब कैसे कैसे ये ग्रुप की सक्सेस डिपेंड करेगी, सबका इनपुट हो। ऐसा होता है करीब 6 लोग, एक आपने कहीं कहानी पढ़ी होगी, बहुत पहले की कथा है, कि एक जगह था, उसने राजा ने कहा कि इस तालाब को, एक कोई पॉन्ड था, और उसको कहा इसको दूध से भरना है, तो सब लोगों ने कहा कि सब लोग तो दूध लाएंगे, मैं पानी डाल देता हूं, तो जितने लोग आए वो सब पानी डालते रहे, दूध किसी ने नहीं डाला, और सुबह क्या हुआ, तालाब में केवल पानी था, दूध नहीं था। तो कई बार जो ग्रुप वर्क होता है, ग्रुप एक्टिविटी, तो हम ये मान के चलते हैं ये कर देगा, हम जरा ज्यादा तेज दिखता है, तो अपने कुछ नहीं करते। इसमें ये जो कोलेबरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें सबकी भूमिका तय है और सबको इंडिविजुअल हैज टू प्ले देयर रोल, इज रोल कंपल्सरली। दिस टीचिंग मेथड प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी शब्द है यहाँ पर, देखिए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। लेक्चर मेथड में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी केवल मेरी है, और यहां पर जो ये मेथड्स होते हैं इसमें हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होती है, आपको अपने रोल को प्ले करना है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उससे संबंधित रिसर्चेस किसी को दे दिया जाएगा, सैंपलिंग किसी को दे दिया जाएगा, टेस्टिंग किसी को दे दिया जाएगा, इवेल्युएशन किसी को दे दिया जाएगा, सबका काम अलग अलग बटा है। अगर वो रिव्यू नहीं किया तो गलत हो जाएगी रिसर्च, सैंपलिंग प्रॉपर नहीं है गलत हो जाएगी रिसर्च, तो सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इसमें बनती है। और इसमें जो सोशल स्किल्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं व्यक्ति के अंदर। इसी तरह से कोलैबोरेटिव राइटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया, 2 or more people लर्न और अटेम्प्ट टू लर्न समथिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ये कोऑपरेटिव लर्निंग इसी का एक्सटेंशन होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग का, जिसमें मैंने आपसे कहा कि फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें जरूरी नहीं होता है, ये कोलैबोरेट दूर से भी किया जा सकता है। इसमें भी गुण वही है, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग में जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्यों होता है, कारण उसके पहले, क्योंकि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है, कोऑपरेटिव लर्निंग फेस टू फेस इंटरेक्शन है। इसमें यही कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में यहां देखिए, दिस इंक्लूड बोथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड कंप्यूटर डिस्कशन, ये जरूरी है। इसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं इस क्लास को एक 2 मिनट के लिए कुछ देना चाहती हूँ। अभी जो टीचिंग चल रही है, जो इस क्लासरूम में आप सब टीचर्स हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि टीचर्स जो हैं
वही सब देश को खराब कर रहे हैं। टीचर्स का रोल सबसे अधिक है, जो कुछ भी जहां कहीं गड़बड़ी होती है हम अंत में टीचर्स को लाके वहां पर रख देते हैं और हमेशा कहते हैं कि टीचर्स गलत हैं, टीचर्स गलत हैं, टीचर्स गलत हैं, और इससे हम लोग का जो मॉरल है वो डाउन हो रहा है। और ये बड़ी खराब बात है कि पूरे सिस्टम में केवल टीचर्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, दूसरे लोगों को नहीं बोला जाता है। क्या आपको लगता है कि टीचर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ये सारे सिस्टम के लिए? क्या आपको ऐसी चीज लगती है? जरा अपना व्यू हमको दीजिए, प्रकट कीजिए कि क्या टीचर रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजों के लिए या टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रश्न है मेरा, आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या टीचर रिस्पॉन्सिबल है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, टीचर क्या अपनी ड्यूटीज को ठीक ढंग से निभा रहा है? तीसरा प्रश्न, टीचर को जो सुविधाएं मिल रही हैं क्या उसमें अंतर्गत उसके साथ वो अपनी ड्यूटीज को ठीक से कर सकता है? तीन प्रश्न है, इसमें से जिसमें जिसका जवाब देना है दीजिए। 5 मिनट्स हैं आपके पास। जो बोलेगा उसको दूसरा काटेगा नहीं, अपना अपना व्यू देना है, कोई झगड़ा नहीं है यहां पे। अपने अपने व्यूज दे दीजिए, अपने व्यूज दीजिए, शुरू कीजिए। कोई भी शुरू करें, मैं खड़ा करूंगी, कोई भी अपने आप। हाँ, वेरी गुड। गुड। आप में से एक, सॉरी, आप में से एक जयप्रकाश, प्लीज आप ये इतना लिख लेंगे जो इनके पॉइंट्स हैं। हाँ, राइट। इट्स वेरी गुड। नहीं, ठीक है, आ रहे। अध्यापक को इसकी आवश्यकता नहीं है, बड़े क्लास पढ़ाते हैं। अदर चीजें जो बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल्स आ गए, ये सब आ गए, तो वो अपने जो उनका बच्चों का जो हम कहते हैं कि चाइल्डहुड है वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, और टीचर्स को डोमिनेट करने के लिए वही है हॉबी है। right. कि हमें जो जो मिल रहा है, जैसे हमारे रूल्स नए नए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर आज जरा सहमा है, जो देना चाहता है right. वो देना भी चाहता है, तो थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट भी होना है, थोड़ा सा उसको क्लास में मतलब बच्चों को प्यार से भी देना है, कुछ कराना भी है, पर बच्चों को उसको रिस्पेक्ट देना है, उसकी बातों को सुनना है। कुछ टीचर्स जो है हमारे जो अच्छे टीचर है वो देना चाहते हैं, पर हर बच्चे के ऊपर वो दबाव नहीं डाल सकते कि तुम दो, राइट right. क्योंकि बच्चे उसको दूसरी तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ उस पे ब्लेम करते हैं right. या वो देखते हैं कि ये बार बार मुझसे। देखिए, केवल इन्हीं का नंबर नहीं आएगा, आप में से सबको बोलना है, तो प्लीज आप थोड़ा छोटा, क्योंकि टाइम हमको जयप्रकाश ने टाइम नहीं दिया है, मैं तो 8 बजे तक पढ़ाऊं रात में, टाइम नहीं दिया है इन्होंने। आप और कोई अपना व्यू कहिए, इनकी बात से समर्थन है तो भी ठीक है, नहीं समर्थन है तो भी ठीक है। हाँ, अपना बोलिए बस। कम है, गुड, ठीक। अब ठीक है, बैठिए। और कोई बोलिए, सबको बोलना है प्लीज। क्या ये लेडीज का ही, लेडीज फर्स्ट ही है क्या हर जगह? पुरुष सेकंड तो हो, जेंट्स सेकंड तो हो। हाँ हाँ, प्लीज। ले लीजिए आप आवाज, क्योंकि अभी पुराना जमाना और अभी का जमाना है ना, वो स्टूडेंट का भी क्वालिटीज है ना, वो भी अलग है ना। पहले पहले जमाने गुरुकुल जैसे माँ बाप सब बच्चे लोग गुरु जी को देने, उसका रिलेशन है ना एकदम देखने में एकदम अलग है। आजकल थोड़ा ज्यादा कमर्शलाइजेशन है, टीचर का भी रिस्पेक्ट, स्टिपेंड वो भी बहुत कम है ना, तो इसी वजह से इतना ज्यादा नहीं होते ना। ठीक है, ठीक। अब ये बताइए, टीचर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? जो उनके रिस्पेक्ट कम हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं? आप लोग में से कोई और खड़े हो, जो बोल चुके हैं वो नहीं, जो नहीं बोले हैं वो? शाबाश, शुरू कीजिए, बताइए। एनीबडी खड़े हो? हम सब अध्यापक हैं और कोई दूसरा नहीं है यहाँ पे, एक ही परिवार के सब बैठे हुए हैं, सब टीचर्स हैं। हाँ, यस प्लीज। हाँ,
हाँ, वेरी गुड. ठीक ठीक I tend to focus in a very social-centric way. Mm-hmm. So I don't consider individual to be an individual. I consider it to be a product of a society. The commercial society ho chuka hai. Agar logo ko aap, logo ke salary se aap kya kehte hain, you tend to equate them with salaries. So agar salary kam hai, to iske wajah se aapka kya hota hai? Even your esteem, your what you call, how people look at you, it falls down. So is tarah se mera manna hai ki जब तक ये सिस्टम जो है I'm sorry, it's all right. Communist nature, so. कोई no. कम्युनिस्ट नेचर कहीं नहीं है, आप अपनी बात कह रहे हैं. कम्युनिस्ट नेचर क्या, क्योंकि वी आर सो प्रॉफिट सेंट्रिक इन अ सेंस, हम सभी हम लेन देन के बात ही कर पाते हैं, इसके अलावा हम ज्यादा नहीं जा पाते. तो अनलेस हमें प्रॉफिट नहीं दे पाते हैं, तब तक that works become very what you call redundant, it's not appreciated. In that sense, teacher ka koi don't have any responsibility. You're a product of your society, so that's it. ठीक ठीक है, एक नहीं कोई बात. आप और कोई अपना व्यू दे. हाँ प्लीज. हाँ ठीक है ठीक है, सब एक्सेप्टेड है, सबका व्यूज एक्सेप्टेड है. प्लीज मुझे मेरा पर्पस सर्व हो रहा है, मुझे वो देखना है. आई एक्चुअली वांट टू टेल शेयर दैट यस चेंज इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो इट्स वेरी गुड दैट मेनी ऑफ आवर टीचर्स आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द चेंज, बट चेंज इटसेल्फ इज नेसेसरी एंड इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो यस वी नीड टू कंपेयर द ओल्ड society and the modern society. Teachers are responsible for this situation or not? But I believe that we are the selective teachers, but the whole world is the teacher. You know, I even used to tell my students that you'll find many teachers all around the world. Let's take the example of this plant. This plant is also teaching a lot, right? Definitely. So wherever they go, our students go, they actually learn not only from our teachers. So they learn from their parents, they learn from the television, as ma'am has already mentioned about it. So the change that we are facing nowadays, I think we shouldn't actually blame on the teachers only, because it is happening all because of, there are many things, many, what should I say, ways from where the students learn. So it is not only the teachers, we shouldn't blame on teachers. Next. Yes. My question is whether teacher is responsible for this situation or not. That is the question. ये मैं आपसे जो करवा रही थी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग था. ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐसे लोग भी बोलने के लिए खड़े हो गए जिनको मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ हैं. मैं मतलब मेंटली प्रेजेंट हैं, ये मुझे नहीं लग रहा था अभी तक, लेकिन उन्होंने खड़े होके बोला, इसका मतलब वो जो मैं सोच रही थी वो गलत थी और यहाँ पर. तो ये है, इसमें जो कुछ भी नहीं कर सकता है, जो बोल ही नहीं सकता, जिसको सिस्टम को लगता है जो चल रहा है चलने दो, ऐसे लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में एकदम एक्टिव हो जाते हैं. तो ये एक ऐसा, ये मैं अपने क्लास में एमएड में कराती थी जब मैं क्रिएटिविटी पढ़ाती थी, और इतने बढ़िया तरीके से निकलती थी बात की क्या बताया जाए. अभी ये सेशन अगर एक घंटे चलता तो आप एकदम एक दूसरे को ऐसा हो जाएगा, कैसे कहा ये, कैसे ये, बहुत एकदम लगता है, और वजह स्टॉर्म आ जाता है सच में. तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सच में हो जाता है. तो अभी तो समय का उतना है नहीं, तो ये एकदम सेशन अपने आप, ये ऐसा इशू है कि जिस पर कितना भी बोला जाए तो कम नहीं है.
तो ये ऐसा चलता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में. इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी चीज के लिए रोकना नहीं है, किसी को भी, कोई भी थॉट किसी का गलत नहीं है. और सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जैसे एक ही समय में इतने ज्यादा व्यूज आ जाते हैं सामने, और उसके बाद जो आपको सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, वो ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपके पास हेट्रोजिनिटी ऑफ व्यूज हो जाती है. इतने तरह के विचार आते हैं कि उसमें आनंद लेके आप उसका उत्तर खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हर एज ग्रुप के लिए बहुत अच्छा सेशन होता है यदि आपको चलाना है. मैंने जयप्रकाश जी ने मेरी बात मान भी ली, लिखना भी शुरू कर दिया. ये इसका प्रोसेस होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि एक व्यक्ति को बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिखें, और जब आप जो पॉइंट्स लिख लेते हैं उसके बाद ये एनालिसिस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्व सॉल्यूशन यहाँ पे सामने निकालेंगे. और कई बार ऐसा होता है कि वो सॉल्यूशन इतना ज्यादा इनोवेटिव होता है कि इसके पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी निकल जाता है. और जब आप, अगर आपने टेस्ट पढ़े होंगे जो क्रिएटिविटी के टेस्ट होते हैं, उसमें भी बहुत मजेदार होते हैं. जैसे अगर इस मेज को पंख लग जाए तो क्या होगा, अब इस मेज को पंख लग जाए तो क्या होगा, यदि आपको विंग्स हो जाए तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो बहुत अजीब. अगर मैं चिड़िया होता तो अब क्या क्या करते, जो चिड़िया करेंगी वो नहीं करना है, चिड़िया के अलग कुछ करना है. तो उसमें जो है वो एक लंबा स्टॉर्मिंग सेशन चलता है, और उसमें आप ऐसी ऐसी बातें बताते. एक जवाब मुझे अभी तक याद है, उसने कहा चिड़िया होते तो मैं पाकिस्तान जाता, और पाकिस्तान जाके जहां पर सब पॉलिसीज डिस्कस हो रही है टेररिस्ट की, वहां पर बैठता और सब जान जाता और टेररिस्ट को खत्म कर देता मैं. बर्ड, उसको उड़ना और टेररिस्ट को खत्म करना, इवन कहीं एक दूसरे से कुछ भी मैच नहीं करता. लेकिन क्रिएटिव आइडियाज जब आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, तो लॉजिक से एक तरफ हो जाते हैं, इनोवेशन सामने आ जाता है, और उसी में से, इनोवेशन में से आपको लॉजिक ढूंढना है तो ढूंढते रहिए आप. वो क्रिएटिव व्यक्ति का कार्य नहीं है कि लॉजिक ढूंढे, इंटेलिजेंट का काम है कि लॉजिक ढूंढे. क्रिएटिव व्यूज सामने रख देता है आपको. अब देखिए एक शेर है, तुम किसी रेल से गुजरते हो, दुष्यंत कुमार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे पोएट है. तुम किसी रेल से गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं. रेल से गुजरती हो, पुल सा थरथरा, ये सिमली देते हैं कवि लोग, इस तरह की सिमली. ये कोई कल्पना लॉजिकल होगा तो कैसे करें आप. तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, लोग कहते हैं ना तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो. अब चंद्रमा के समान सुन, चंद्रमा पे कितने ज्यादा गड्ढे है, कितना विकृत है चंद्रमा. कोई अगर साइंस वाला हो तो पीटने लग जाए कि चंद्रमा क्यों कहा मुझे, लेकिन उसी को लेख लेके बड़े खुश हो जाते हैं. तो क्रिएटिव्स जो होते हैं, इनोवेटिव्स जो होते हैं, वो ये सब नहीं सोचते कि लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो आनंद में होते हैं और अपनी बात को कहना जानते हैं. टीचिंग के लिए उसी तरह का क्रिएटिव होना इज अ मस्ट. जो टीचर नहीं क्रिएटिव है, जो इनोवेटिव नहीं है, जो हमेशा बुद्धि से खेल खेलता रहता है, वो अध्यापक नहीं बन सकता. ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है अध्यापक के लिए, आनंद बहुत जरूरी है. एक ब्रेन गेम्स खेलने वाला अध्यापक नहीं बन सकता. हमेशा कुटिलता, हमेशा प्लानिंग, हमेशा गलत, हमेशा ये हमारा काम नहीं है, पॉलिटिशियंस का काम है. हम तो टीचर्स हैं, हम जितने पवित्र हम रहेंगे, जितनी प्योरिटी हमारे अंदर रहेगी, उतना ही हम ट्रांसमिट करेंगे अपने विद्यार्थियों में प्योरिटी. और दुर्भाग्य यह है कि अब प्योरिटी कम हो गई है, इतने पॉलिटिक्स टीचर्स में आ गई है कि वो ये ऐसे पढ़ाती हैं, मिसेस लाल ऐसे पढ़ाती हैं, मिसेस ये ऐसे पढ़ाती हैं, वो ऐसे चलती हैं, वैसे नहीं. ये आपका नहीं है फील्ड, आपका फील्ड है विद्यार्थी के मन में कैसे उतर जाए, ये आपका फील्ड है, और उस पर आनंद होना चाहिए. सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन होता है ऐसा. तो अब ये मैंने अभी आजकल देखा है, थोड़ा दूसरे जमाना आ गया है. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो है, इसमें देखिए एक जो है डिस्करेज, कोई किसी को नहीं कर सकता है, सबको बोलना है अपनी अपनी बात. आप कोई नेगेटिव पॉजिटिव थॉट ऐसा कुछ नहीं होता, सबको अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना है और वो अपनी बातें कहते हैं. ये टीचिंग जो है ये मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग पर है, और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग इज अ मस्ट किसी फॉर इफेक्टिव टीचिंग. फिर है यूज ऑफ मल्टीमीडिया, ये भी इनडायरेक्टिव है, इनडायरेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं. इसमें भी आपने उस दिन जो प्रोफेसर पांडे का लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा था जितने सेंसेस यूज हो जाएं उतनी अच्छी लर्निंग होती है. तो ये जो मल्टीमीडिया अप्रोच है, ये आपके जो सेंसेस हैं, 5 senses, उसको किसी न किसी तरह से यूज कर लेती है. देखिए जब आप पॉल्यूशन के बारे में यदि आप पढ़ें और पॉल्यूशन पर लेक्चर हो, तो आपको समझ में नहीं आता.
लेकिन आज गंगा में कितने नाले गिर रहे हैं, कितना गड़बड़ी हो रही है, कितने चीजें सड़ रही हैं, अगर ये सब आप देख लेते हैं तो आपका अपने आप चेंज आ जाता है आपके अंदर, आपको लगता है नहीं नहीं कभी नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन पे एक बहुत इफेक्टिव लेक्चर हो, लेकिन अगर मल्टीमीडिया के साथ पॉल्यूशन पढ़ाया जाए, इसलिए टॉपिक्स होते हैं जिसमें ये तय होता है इसको इससे पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाए तो अच्छा होगा, इसको डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाया जाए तो अच्छा होगा। ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को, उसके नेचर को देखकर टॉपिक को वो कौन सा मेथड यूज करता है, ये बहुत अधिक आवश्यक है। इसी तरह से ये मीडिया का जो कंटेंट होता है, कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, मॉडिफाइड एंड कस, ये सब आप जानते हैं, जो मीडिया मल्टीमीडिया है उसको किस तरह से डिजिटल और कैसे कैसे चेंज करके उसको एक ग्रुप में बना के और ऐसा कर दें कि जिससे लर्नर ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए, चीजों को पढ़ने के लिए ज्यादा सीखने के लिए मोटिवेटेड हो जाए, सेल्फ लर्निंग उसकी ज्यादा डेवलप्ड हो जाए। इसी तरह से माइंड मैपिंग है, माइंड मैपिंग भी एक तरह का मेथड है जिस मेथड में लर्न करते हैं हम लोग फुल रेंज ऑफ विजुअल एंड सेंसरी टूल्स एट आवर डिस्पोजल। विजुअल और सेंसरी टूल्स जितने, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स जितने हमारे हैं, उनका हम फुल यूज करते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में उसकी एक मैपिंग बन जाए, जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम जानने चाह रहे हैं उसके हमारे माइंड में मैपिंग हो जाए। इसको कॉग्निटिव मैपिंग भी कहते हैं कि माइंड में आप जितने जितने तरह से जहां से भी मिल जाए सूचना, वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, जितने मीडिया के द्वारा मिल जाए, पिक्चर, म्यूजिक, कलर, टच, स्मेल, जहां से भी सूचना मिल जाए वो सारी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके और फिर उसको अपने पास रख के उससे आपके दिमाग में क्या बनेगा, परसेप्शन डेवलप होगा और वो परसेप्शन कॉग्निटिव मैपिंग में चेंज होगा। और जब इस तरह से कोई चीज आपके दिमाग में आती है तो वो बहुत दिनों तक रहती है आपके दिमाग में। और ये आजकल का जो नया मेथड नॉन डायरेक्टिव या इनडायरेक्टिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज है, उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल में ला रही हैं। माइंड मैपिंग की जाए विद्यार्थियों की, कोर्स कवर न किया जाए बल्कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाए वो उनके दिमाग में रहे। अभी मैं इंटरव्यू लेने जाती हूँ कहीं पर भी, पूछा बताइए कितना नंबर आपको मिला था एक किसी सब्जेक्ट, पूछा एमएड में कितना मिला इस पेपर में, नहीं याद है। कब एग्जाम दिया, 4 महीने पहले दिया, 4 महीने पहले के एग्जाम का पूरा खत्म है, कुछ नहीं मालूम है। और मैंने कहा देखो मैं तो 71 में मैंने हाई स्कूल पास किया है, 71 में आप लोग में से आधे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, 71 में हाई स्कूल पास किया, मैं नंबर बता दूं इस सब्जेक्ट में ये इसमें ये और इतना परसेंट मिला था मुझे। और कहो तो अपना जो 326653 मेरा जो नंबर था, जो एनरोलमेंट नंबर था वो भी याद है, और इंटरमीडिएट 193078 इंटरमीडिएट का था सब याद है। तो 40 साल पुराना याद है, 50 साल पुराना, 50 साल तो नहीं कहूंगी, इतना पुराना याद है तो तुम कैसे नहीं याद है, 3-4 महीने का कैसे भूल गए, क्यों भूल गए, माइंड मैपिंग नहीं हुआ था। कोई भी कॉन्सेप्ट आप बचपन में कोई चीज पढ़ते हैं उस समय चीजें आपके दिमाग में घुस जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन पास करते जाते हैं, एग्जामिनेशन पूरा हुआ एमएड का, सब उड़ेल दिया कॉपी में और उसके बाद उसको एक तरफ फेंक दिया, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह से वेस्ट हो गया। ज्ञान की ये स्थिति हो गई है, इंफॉर्मेशन जो है वो भी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, नॉलेज तो बड़े दूर की बात है, इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं है। इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनने में तो प्रोसेस चलता है ना, माइंड मैपिंग होती है ना, तो माइंड मैपिंग है ही नहीं है तो इंफॉर्मेशन ही रह जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो माइंड मैपिंग है ये हमेशा ज्यादा मीनिंगफुल वे से ये ज्यादा समझाने में ज्यादा अच्छी होती है। डिजिटल मीडिया भी लगता है, प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत अधिक हेल्प करती है। और ये देखिए एक शब्द है इसमें, मल्टीपल सेंसरी मोडालिटीज, ये जो मल्टीपल सेंसरी मोडालिटीज हैं इसका यूज होता है और जिसके कारण ज्यादा सूचनाएं ज्यादा अच्छी तरह से अंदर जाती हैं। इसीलिए देखिए जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है बोर्ड पे डायग्राम भी बनाओ, समझाओ भी और बच्चों से कहो लिखो भी, तो 3 सेंस ऑर्गन्स आपके काम करते हैं, इसलिए सूचना ट्रिप्लिकेट होके पहुंचती है आपके पास और उससे जब सूचना पहुंचती है तो आपके ब्रेन में ज्यादा काम होता है। सिमुलेशन है, जैसे सिमुलेशन में हम सब माइक्रो टीचिंग जितनी कराते हैं, जो स्किल टीचिंग कराते हैं, सब सिमुलेटेड कंडीशन में कराते हैं। जब हमको ओरिजिनल कंडीशन नहीं मिल पाती है तो हम सिमुलेशन माने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जो ओरिजिनल जैसी ही लगे, ओरिजिनल ना हो लेकिन ओरिजिनल ही ऐसी लगे। आजकल कंप्यूटर के थ्रू फ्रॉग का डिसेक्शन सिखा रहे हैं,
उसमें कंप्यूटर में सामने कर देते हैं और फ्रॉग का डिसेक्ट करते हैं, सिमुलेशन कंडीशन है, ओरिजिनल नेचुरल नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, हम लोग पूरा बीएड में, क्योंकि हमको प्रैक्टिसिंग स्कूल नहीं मिल पाते हैं इतना, तो हम जो माइक्रो टीचिंग सिखाते हैं वो सब सिमुलेटेड कंडीशन में सिखाते हैं। एक क्लास होता है, उसी में बच्चे एट्थ क्लास के बन जाते हैं, तुम्हें टीचर्स में से ही बन जाते हैं एट्थ क्लास के, और कुछ पढ़ाते हैं, कुछ पीछे उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, सब सिमुलेशन होता है। तो इस तरह से जो चीजें ओरिजिनल सिचुएशन में नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, उसको सिमुलेटेड कंडीशन में भी पढ़ा सकते हैं। ये भी इसमें भी रियल सिचुएशन विदाउट टेकिंग द रिस्क। कई बार क्या होता है, मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, उनको ऑपरेशन बताना है, तो या तो काट दें, पेट चीर दें उसका, या वो इस सिमुलेट के मॉडल ले आए और उसके आधार पे बता दें। तो कई बार क्या होता है, ओरिजिनल सिचुएशन, रियल सिचुएशन नहीं संभव हो सकती है, तो वहां पर हम सिमुलेटेड कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। फिर केस स्टडीज है। केस स्टडीज में क्या होता है कि जो बहुत से केसेस होते हैं, आपने बहुत से केसेस, किसी कोई इंस्टीट्यूशन भी केस हो सकता है, जैसे तिब्बतन यूनिवर्सिटी है, ये भी केस हो सकता है। आप इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से जाने, जानकारी करें, इंटरव्यू लें, किसी का ऑब्जर्व करें, इसको देखें अच्छी तरह से, समझें क्या है। तो यहाँ केस का इसके भी बारे में, किसी भी कोई भी सिचुएशन, भाभा रिसर्च सेंटर है, उसका केस स्टडी हो जाएगा, वो केस है एक, उसके आधार पे आप जानेंगे कि कैसे रिसर्चेज होते हैं, इसरो में कैसे रिसर्चेज होते हैं। इस तरह से कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है, वहां कैसे, कहीं गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जा रहा है, वो केस हो जाएगा, और उसके आधार पर आप पूरी उसकी डिटेल्स, केस हिस्ट्री और केस के बारे में सारी अच्छी तरह से सूचना। केस स्टडी जब होती है तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं, केस हिस्ट्री और प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट सब आ जाता है, वो केस स्टडी होता है। और केस हिस्ट्री में हमेशा पास्ट के बारे में, पास्ट के आधार पर जब हम बात करते हैं तो वो केस हिस्ट्री हो जाती है। ठीक, तो ये दोनों में फर्क होता है थोड़ा। उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग, ये भी इंक्वायरी बेस्ड होती है। इसमें आप किसी चीज को, कुछ तथ्य आपके पास हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, और उस फैक्ट्स के आधार पर आप नए जो चीजें हैं उनको ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर, जो उसके पास पहले नॉलेज है, पहले एक्सपीरियंसेस है, उसके उसको जोड़कर नए एक्सपीरियंसेस की तरफ वो जाता है। तो ऐसी चीज जब होती है उसको कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। कुछ डिस्कवर करना किसके आधार पर, जो आपके पास प्रायर नॉलेज है, प्रायर एक्सपीरियंसेस है, उसको यूज करके नई सूचनाओं को जानना, इसको कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। फिर एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग की हम लोगों ने बात कही, बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स टू टॉक एंड लिसन, रीड, राइट एंड रिफ्लेक्ट एज दे अप्रोच कोर्सेस कंटेंट थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज। इसमें स्टूडेंट चुप नहीं बैठा है, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप एक्टिव लर्नर हो गए, आप सिस्टम में आ गए, और टीचर के बारे में आपके जो जो अनुभव थे वो आपके फेस से भी प्रकट हो रहे थे कि ये जो हो रहा है हम लोगों के साथ, ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो नहीं नहीं ऐसे कैसे, ठीक है जो हो रहा है वो दूसरी तरह का हो रहा है। सबके एक्सप्रेशंस, फेस के एक्सप्रेशन दूसरे थे, जब आप बोल रहे थे तो आपके एक्सपीरियंसेस आपके चेहरे पर दिख रहे थे। तो ये एक्टिव लर्निंग हो गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव लर्निंग में लर्नर को पैसिवली बैठने की इजाजत नहीं होती, उसको भी साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस को यूज कर करके सीखना होता है आगे। और कहाँ सीखना होता है, रोल प्लेइंग के थ्रू, सिमुलेशंस के थ्रू, इनफॉर्मल एक्सरसाइजेस के थ्रू, फॉर्मल एक्सरसाइजेस के थ्रू। जो अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने किया वो फॉर्मल एक्सरसाइज था, इनफॉर्मल एक्सरसाइजेस के थ्रू सीखने की प्रवृत्ति हो। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग, इसमें जहां से जो चीजें जिस विधि से सिखाई जाए, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी जहां पर ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा यूजफुल हो, उसको वहां वहां लगा के सब लर्निंग, सब सारे स्ट्रेटेजीज को लगा के जो जो जरूरी है इंटीग्रेट करके उसके जब लर्नर के बिहेवियर में चेंज किया जाता है तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग। जहां सारी स्ट्रेटेजीज को इंटीग्रेट करके लर्नर की लर्निंग को बढ़ाया जा सके उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट डिस्कवरी लर्निंग से पढ़ा जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग यूज करो। ये एस्पेक्ट लेक्चर से पढ़ा जाएगा, लेक्चर यूज करो। ये डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, डिमॉन्स्ट्रेट करो। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करो। जितनी आप तरह तरह की स्ट्रेटेजीज यूज करके इंटीग्रेट करके उसको जितना बढ़िया लर्निंग बिहेवियर उसका चेंज होता वही उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग। फिर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम पहले रहता है और उस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम टीचर सामने दे देता है, उस प्रॉब्लम के आधार पर आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको
काम करते हैं. इसमें देखिए क्या होता है, शुरुआत में क्या क्या स्टेप्स हैं. इसमें चार स्टेप्स इसके महत्वपूर्ण है. पहला स्टेप है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिया जाता है. प्रॉब्लम कौन देता है? टीचर देता है. इनिशिएट करेगा टीचर. उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने डेटा की जरूरत होती है उसको वो गैदर करता है डिफरेंट सोर्सेस से. ठीक, यहां पर भी टीचर उसको हेल्प करता है, यहां तुम्हें सोर्स मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, इसको देखो, यहां देखो, वो उसको हेल्प करता है. स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज डेटा एंड अटेम्प्ट एन एक्सप्लेनेशन टू द प्रॉब्लम. उसके बाद क्या करता है स्टूडेंट, सब डेटा लाता है, उसको स्टडी करता है, पढ़ता है अच्छी तरह, और उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस खोजता है कि इस प्रॉब्लम का ये टेंटेटिव सोल्यूशन हो सकता है, ये हल हो सकता है, ये हल हो सकता है, कई सॉल्व देता है, उसका हल देता है, और फिर टेस्ट करके, हाइपोथेसिस टेस्ट करके किसी एक जो सोल्यूशन है उसको सामने लाता है. स्टूडेंट एनालाइज द स्ट्रेटेजीज दे यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद क्या करता है, एक किसी सॉल्यूशन पर वो सामने आता है. और वो सॉल्यूशन कैसा होता है, लॉजिक बेस्ड होता है. उसको वो बताता भी है कि ये सॉल्यूशन क्यों आया है. ये चार स्टेप्स फॉलो करके प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इंक्वायरी, ये हायर लेवल की जो लर्निंग होती है. और जब आप टीचिंग के तीन लेवल होते हैं टीचिंग के, आप जानते होंगे, मेमोरी होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, और तीसरा क्या होता है मुझे बताइए, तीसरा लेवल क्या होता है, तीसरा लेवल क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल होता है. सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल होता है, जहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको. वो जो लेवल है वो टीचिंग का हाईएस्ट लेवल माना जाता है, जहां पर लर्नर खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, टीचर प्रॉब्लम को इनिशिएट कर देता है और लर्नर उसे सॉल्व करता है. अपनी इंक्वायरी मेथड भी कहते हैं उसको, इंक्वायरी ट्रेनिंग भी कहते हैं उसको, जो क्या सॉल्यूशन का मेथड भी कहते हैं उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हैं, जो सबसे हायर स्टेज होती है उसके. क्या टाइम भाग रहा है, ठीक है ना. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी, ये इसको मेरे साथ अत्याचार होगा यदि मैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने बड़ा छोटा किया है, लेकिन इससे ज़्यादा छोटा करने आपके साथ भी अन्याय और मेरे साथ भी अन्याय, तो मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, अपने साथ तो होने दूंगी. तो ये जो है, स्टूडेंट एनालाइज द स्ट्रेटेजीज दे यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. स्ट्रेटेजीज को एनालाइज कर देखो, यहाँ क्यों देखिए ये वर्ड क्यों लगा है एनालाइज का, जैसे आपने डिस्कवरी लर्निंग लगाया स्ट्रेटेजी, लेकिन आपके टॉपिक में डिस्कवरी लर्निंग फिट इन नहीं हो रहा है तो आप उसको हटा देंगे, किसके द्वारा जो रिजल्ट आया वो ठीक नहीं है, तो इस विधि को नहीं लगाते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी लगाते हैं. एनालिसिस करने के बाद जो एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज होंगी वही लगेंगी, तब आपका सोल्यूशन ऐसा आएगा जो लॉजिकल होगा, जिसको आप समझा सकने में समर्थ हो सकते हैं. तो ये एक बहुत जरूरी चीज है. फिर है टीचिंग विद सेंस ऑफ ह्यूमर. ये मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ टीचर्स आते हैं, क्लास में आते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है, और जब तक रहते हैं तब तक लगता है कि एक एरा में क्यों पैदा हुए. अलग अलग भी तो पैदा, 50 साल पहले 50 साल बाद भी तो पैदा हो सकते थे, इन्हीं के समय क्यों पैदा हुए. और वह ऐसे चुपके से घड़ी देखता है, ऐसे नजर टीचर पे भी देखता है, देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सावधानी हटी दुर्घटना, वो देखेगा ऐसी घड़ी, अच्छा एक घंटा पूरा हो गया, हे ईश्वर. जैसे अभी आप लोग लंबी सांस लेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगा, तो एक घंटा खत्म होने के बाद बहुत आनंद, अब बड़ा आनंद है, बड़ा त्रस्त किया भैया इन्होंने. तो कई बार क्लास ऐसा होता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर के बिना होता है क्लास, मोनोटोनस, एकदम हंसना मना है, 32 ऑल आउट नहीं हो सकता. क्या मतलब होता है 32 ऑल आउट का, 32 ऑल आउट क्या होता है, पूरा हंसना, दांत खोल के हंसना, दांत 32 है ना. तो जब 32 ऑल आउट हो जाए तब क्लास में आनंद होता है कि आप हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, बहुत आनंददायक है. ये सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए. और कैसे सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, कैसे डेवलप होगा क्लास में, कैसे क्लास अच्छा ह्यूमरस होगा, जब आपके पास बहुत अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप आप दोनों में होगी. किसमें, टीचर और टॉट में कॉर्डियल रिलेशनशिप होगी, टीचर और टॉट में ऐसा भय फियरलेसनेस होगी. आप कहेंगे तो डिसिप्लिन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, डिसिप्लिन नहीं गड़बड़ होता है, डिसिप्लिन हमेशा इनर होता है, इनर डिसिप्लिन होता है, दंड सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होता है. डिसिप्लिन कभी लाठी से, स्पेयर अ रॉड एंड स्पॉइल अ चाइल्ड से डिसिप्लिन नहीं बनता, डिसिप्लिन अंदर उतर जाता है. और जब अंदर उतर जाता है तो अध्यापक के इशारे पर छात्र ऐसे नाचता है जैसे बाजीगर के इशारे पर नाचता है.
ایسا اس طرح کا ہو جائے, جبردستی آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, سر آ رہے ہیں, مسٹر شرما ہلنا مت, مسٹر شرما آ گئے, اور مسٹر شرما جب گئے تو یہ کیوں نہیں ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں, ایسا بھاؤ من میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو جس کو کریں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں, ایک اچھی طرح سے, آٹوکریسی آٹوکریٹک بیہیویئر ٹیچر کا کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے, نہ لیس فیئر ہونا چاہیے کہ ایک دم سب چھوڑ دو, سب سوتنتر, ایسا بھی نہیں. ڈیموکریٹک سیٹ اپ, آپ کی آنکھ سے انوشاسن بننا چاہیے. آپ اگر سیریس ہو کے دیکھ لیں تو وہ سمجھ جائیں کہ بات گڑبڑ ہے, اور یدی آپ مسکراتے رہیں تو وہ پورے سوئنگ کے ساتھ, فل سوئنگ میں آپ سے وہ پرشن پوچھیں, آنند لیں کلاس کا. اور ویسے آنند میں کلاس کے چہرے پر, بچوں کے چہرے پر ایک وششٹ پرکار کے چہرہ ہی دیکھیے آپ کتنا اچھا لگتا ہے ان کا. یہ جو ٹیچر, اس کو میں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جس ٹیچر نے اس کا آنند اٹھا لیا, چہرے پر جو ودیارتھیوں کے کچھ سیکھ پانے کا جو آنند ہوتا ہے, سینس آف اچیومنٹ, جس نے اس کو اٹھا لیا آنند, وہی اصل ٹیچر ہے, باقی تو سب ایسا ہی. اسی کو, یہی کویسٹ ہونی چاہیے ٹیچر کے اندر کہ کیسے اپنے اسٹوڈنٹ کے چہرے پر وہ آنند لے آئیں جو آپ کے اور ان کے ٹوگیدرنیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ سینس آف ہیومر اس میں بہت مدد کرتا ہے, ہیومرس ٹیچنگ مدد کرتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ہیومرس ٹیچنگ کے لیے آج کلاس میں پڑھانا ہے, جھوٹے ہی ہنسے جا رہے ہیں, اناوشیک ہنسے جا رہے ہیں, لڑکا کہے گا پاگل خانے بھیج دو, یہ ماسٹر صاحب آج جھوٹے ہی ہنس رہے ہیں. تو یہ بھی جہاں ضرورت ہو وہاں, یہ نہیں کہ جیسے کلاس میں گھسے ہنستے گئے اور نکلتے تک ہنستے گئے, تو وہ پاگل سمجھے گا آپ کو, مینٹل ہاسپٹل فون کرے گا, مسٹر شرما پاگل ہو گئے. تو یہ اس طرح کی استھتی نہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر اس کا, جیسے جیسے کھانا بناتے ہیں تو اس میں ہر انگریڈینٹ کا مہتو ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ سینس آف ہیومر کا مہتو نمک کی طرح سے ہوتا ہے کھانے میں. جیسے نمک ڈالتے ہیں کھانے میں تو جو سالٹ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے, وہی امپیکٹ ہیومرس ٹیچنگ کا ہوتا ہے. آنند میں بھر کے پڑھائیے, آنند دکھنا چاہیے. اور آج کل کے درباگ یہ ہے کہ ٹیچنگ میں آنند ختم ہو گیا ہے ایک دم. دیکھیے کچھ لوگ ایک دم دھیان میں چلے گئے ہیں, دھیان سے باہر نکلیے اور آنند لیجیے. آنند کا مطلب آنکھ بند کر کے آنند نہیں لینا ہے. کیا کرتا ہے اس کو, رول پلے اینڈ سینیریو انالیسس بیسڈ ٹیچنگ. اس میں بھی رول پلے, بس یہ اب ختم ہونے والا ہے. رول پلے مانے جب آپ ویلیو ججمنٹ کراتے ہیں, ویلیو انکلکیشن کراتے ہیں, تو وہاں رول پلے کا بہت زیادہ مہتو ہوتا ہے. جو اس میں ایک ماڈل ہے, جورسپرڈینشیل ماڈل, پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے, جورسپرڈینشیل ماڈل ہے, اس میں ویلیو انکلکیشن کے لیے رول پلئنگ کا بہت مہتو ہوتا ہے. جیسے کیا ہوتا ہے اس میں رول پلئنگ میں بھی, ہوتی ہے رام لیلا ہوتی ہے نا, رام لیلا میں کوئی رام بنتا ہے, کوئی لکشمن بنتا ہے, کوئی اس میں ایک ہنومان بنا, ایک رام لیلا میں ہنومان بنا تو وہ ایک دم دبلا پتلا عجیب سا تھا, اور وہ بول رہا تھا میں بلشالی ہوں اور ایسے گدا ودا لے کے, تب سے ایک چوہا گیا ادھر سے اور وہ بھاگا, چوہا چھوڑ کے گدا ودا پھینک کے بھاگا پیچھے. تو رول پلئنگ اگر ایسی ہو جائے تو وہ پورا کا پورا غلط ہو جاتا ہے. جب آپ رول کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی جو کون رول پلے کرتا ہے اس کا بھی مہتو ہونا چاہیے, کیسے وہ بولتا ہے, کیسے وہ ڈائلاگ ڈیلیوری کرتا ہے, یہ ساری چیزیں بھی رول پلئنگ سے ہیلپ ہو سکتی ہے. سینیریو انالیسس بھی ہوتا ہے, جو آپ کا لرننگ انوائرمنٹ ہے اس کو سمجھ کر, اس سین کو, سینیریو کو سمجھ کر اس کے انروپ لرننگ کرنا, سینیریو ٹیچنگ, یہ سب ٹیچنگ کے انترگت آتا ہے. پھر دیکھیے یہ جو انڈائریکٹ اسٹریٹجیز ہیں اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. پہلی بات تو یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے, اور دوسری فلیکسیبل ہوتی ہے. جیسے لرنر بدلے گا ویسے بدل جاتی ہے. جیسے لرنر نے ابھی اس راستے پہ لرنر چلا, راستہ غلط نکلا تو بدل کے دوسرے راستے پہ چلا جائے, لیکن ڈائریکٹ میں نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈائریکٹ اسٹریٹجیز ہیں اس میں راستہ نہیں بدل سکتے, اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اس میں اسٹرکچرڈ نہیں ہوتی, ایک دم سیمی اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ آپ کہیں, سیمی اسٹرکچرڈ کہہ دیجئے زیادہ اچھا ہے, کبھی کبھی انسٹرکچرڈ بھی ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹ کے نیڈ ریکوائرمنٹ, اس کی اسپیڈ, اس کے اکارڈنگ کچھ کچھ بدلتی بھی رہتی ہے. پھر ہے فری اسٹوڈنٹ ٹو ایکسپلور پاسبلٹی. اسٹوڈنٹس کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ فری ہو کر اپنے من سے اپنی کیوریاسٹی کو شانت کر سکیں, کسی پرکار کا کوئی بندھن ان کے آگے نہیں ہوتا. اور اس کے لیے فیئر آف رانگ آنسرس. کئی بار کیا ہوتا ہے, آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہیں کچھ غلط تو نہ بول رہے ہیں,
कहे चुप रहे, अच्छा इससे अच्छा तो चुप रहो, दुर्घटना से तो अच्छा है कि शांत रहना चाहिए, नहीं बोलेंगे। तो ये जो, क्योंकि वहां लर्नर को ही सब कुछ करना है, तो ये जो फियर होता है वो अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि लर्नर को खुद करना है, खुद गिरना है, खुद उठना है, तो वो सब कुछ करता है, अपना फ्री रहता है। और इससे क्या होता है, कई बार नई चीजें भी सामने आ जाती हैं, तो फॉस्टर्स क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट भी लर्नर का होता है, जो बहुत जरूरी है किसी टीचिंग के लिए। साथ में क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब एक दूसरे के साथ, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। और साथ में ये मेथड इंडक्टिव ज्यादा है, कभी कभी कॉन्सेप्ट से नीचे भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं, लेकिन ज्यादातर ये खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, इसलिए मेथड जो है वो ज्यादा इंडक्टिव ज्यादा होता है। कभी कभी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन जब होता है तो डिडक्टिव भी हो जाता है। इसमें अगर प्लानिंग खूब अच्छी तरह से टीचर करके लर्नर को दे, तो टीचर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं होती है, ये केवल बस इनिशिएट कर दे और मैनेज करता रहे कि सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, तो भी लर्निंग आराम से हो जाती है। टीचर का रोल केवल इतना ही होता है। और इसमें जैसे बहुत ही प्लानिंग करके और स्ट्रेटेजी बना के ऐसा जो जीने में, लर्नर बहुत अपने को, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। जो उसको मन है, जो वो करना चाहता है, वो कार्य करता है और अपनी पेस से करता है, अपनी स्पीड से वो करता है, कोई ऐसी दिक्कत उसको नहीं होती है। अब इसकी वीकनेस क्या है, इसकी सबसे पहली वीकनेस तो ये है कि ये स्लोअर वे है टीचिंग का। जैसे जो डायरेक्ट स्ट्रेटेजी है लेक्चर मेथड, उसमें आप ज्यादा कोर्स कवर कर सकते हैं और एक बड़े ग्रुप को पढ़ा सकते हैं। इसमें हमेशा ग्रुप छोटे बनते हैं, हेट्रोजीनस होंगे, होमोजीनस होंगे, होमोजीनस हो तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, हेट्रोजीनस होंगे तो हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, तो ये एक दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि टीचर ग्रुप्स को बना नहीं पाता, क्योंकि टीचर को भी बहुत मेच्योर होना जरूरी है, टीचर के भी अंदर थोड़ा क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस, ये टीचर के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो टास्क ही नहीं समझा पाता विद्यार्थी को, विद्यार्थी को यही, स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है, तो वहां पर ये इनडायरेक्ट मेथड दिक्कत करता है। फिर अगर वो एडिक्वेट स्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग नहीं करता टीचर, स्ट्रक्चर भी ठीक से नहीं बना के देता है कि किस रास्ते पर, स्ट्रक्चर माने ये नहीं कि टीचिंग स्ट्रक्चर्ड है, माने कि किस रास्ते जाना है, वो जब भी ठीक से नहीं बना पाता तो फिर दिक्कत होती है। और जो लास्ट वाला है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अकाउंटेबल होना होता है, स्टूडेंट पर सारी जिम्मेदारी होती है, तो कई बार स्टूडेंट नहीं तैयार होते हैं अकाउंटेबिलिटी को लेने के लिए, या उतने अकाउंटेबल नहीं होते हैं। टीचर ने जो टास्क दिया, जैसे कोई रिसर्च में बहुत अच्छा नहीं है और आपने उसको रिव्यू करने को दे दिया, तो अपने आप फेल हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी क्या है लर्नर की, उसके अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा टास्क। फिर इसके प्रॉस्पेक्ट्स में पॉजिटिव साइड क्या है, इसमें एकोमोडेट्स विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर टच करके, चीजों को टच करके जो सीखते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, इनके लिए ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज इनडायरेक्ट अच्छी होती है। और ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनके अंदर डेवलप होगी, क्योंकि प्रॉब्लम दे दिया जाता है और कहा जाता तुम सॉल्व करो, तो वो स्किल डेवलप होती है उनके अंदर। फिर ये सेल्फ असेसमेंट जानते रहते हैं, थोड़ा सीखेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, मैपिंग करेंगे, रिफ्लेक्टिव डिस्कशन, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो वो अपने बारे में एसेस भी करते रहते हैं कि मुझे इतना आया, अब इतना सीखना है, इतना सीखना है, तो सेल्फ असेसमेंट भी डेवलप होता है। फिर कॉज एंड इफेक्ट भी सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर के द्वारा वो नई नई चीजों को सीखते हैं, गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं और समस्या का समाधान, प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं। और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ही बहुत जरूरी है कि वो खुद, क्योंकि सिस्टम में रहते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, तो उनको जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी ऑथेंटिक होते हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको, सब जानते हैं सच क्या है। कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके, अगर स्ट्रक्चर नहीं ठीक से है तो सब गड़बड़ हो जाता है इसमें, ये कॉन्स्टेंट सबसे बड़ा है। फिर स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, बार बार उनको बताना पड़ता है, कुछ और डिटेल देना पड़ता है और समझाना पड़ता है, उनको डिस्कस करना पड़ता है, तो स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। फिर स्टूडेंट में गेट डिस्करेज्ड और ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टास्क। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को, आपको लगता है कि बड़ा कठिन टास्क है, तो वो डिस्करेज्ड भी कभी कभी फील करते हैं और कभी कभी अति उत्साही हो जाते हैं, तो अति उत्साह में भी बिगाड़ देते हैं काम को, और अगर डिस्करेज्ड हो जाते हैं तो वो काम कर ही नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट को, टीचर का बहुत बड़ा यहाँ पे कार्य है कि टीचर ये देखे कि लर्नर किसे कर सकता है काम को, उसकी कैपेसिटी एबिलिटी क्या है, जिससे कि लर्नर डिस्करेज्ड भी ना हो और ओवरहेल्म्ड भी ना हो,
इससे भी आराम से वो स्मूथली कार्य को कर सके. फिर स्टूडेंट्स की जो प्रायर नॉलेज है उसका एजम्पशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत मुश्किल काम है. आप अपने विद्यार्थी को जानना मुश्किल काम है, तो जब आप उसको नहीं एज्यूम कर पाएंगे कि वो क्या जानता है क्या नहीं जानता है, तो हो सकता है कि टास्क को देने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है और उससे जो पूरी स्ट्रेटजी है वो फेल भी हो सकती है. फिर टीचर का वर्कलोड, टीचर का असेसमेंट करना उनको पड़ता है तो उनका वर्कलोड भी थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल असेसमेंट करना पड़ता है. ये लड़का कितना दूर बढ़ा, ये कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ इसको रास्ते पे लाया जाए. तो टीचर का रोल यहाँ पे वर्कलोड इस तरह से इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ये सबसे प्यारा शब्द है जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगा होगा पूरे लेक्चर में. लगा ना? थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतना आराम से सुना. अच्छा भला लंच करने के बाद मुझे झेलना वॉज वेरी डिफिकल्ट, पर आपने मुझे खुशी खुशी झेला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद.